हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बचा लो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जमशेद, गुड आफ्टरनून लक्षिता, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। तो मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर पूजा व्यास, और आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आप जानते हैं आज है सैटरडे, और जब भी सैटरडे आता है मैम जो है वो आपका रिवीजन लेती है, ताकि आप लोग, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून परशुराम, गुड आफ्टरनून आर्या, प्रेम, दिग्विजय, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। सो मैं हूँ आपकी बायोलॉजी मेंटर फैकल्टी डॉक्टर पूजा व्यास, एंड आई एम PhD इन बॉटनी। और हम लोग जो हैं वो अभी अपना 2023 का जो बैच है, दिशा बैच, वो ऑनगोइंग हमारा बैच है, जिसमें हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं अभी तक। हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कम्प्लीट कर लिया है, डाइजेशन हमने कर लिया है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हमारा रनिंग चैप्टर है। तो बच्चे लोग, मैम क्या बोलती है? मैम बोलती है कि आपका सिलेबस आगे बढ़ता जाए, लेकिन रिविजन भी साथ साथ में होना ज़रूरी है। यही स्ट्रेटेजी प्लान रहना चाहिए आपका भी, तभी आप नीट जो है उसको क्रैक कर पाएंगे। गुड आफ्टरनून जमशेद, गुड आफ्टरनून सुमित, एवरीबडी गुड आफ्टरनून। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मेरे साथ साथ में रिवीजन करो। और आज का हमारा रिवीजन क्लास है किसका? प्लांट किंगडम का। और आप जानते हैं मैम 1 आवर के अंदर, NCERT के अंदर आपको क्या दिया गया है उसको पूरा रिवाइज करवाती है। और एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, डिटेल में पढ़ना है तो दिशा बैच का जो प्लेलिस्ट है बायो का, वहां जाके ये चैप्टर पूरा आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है? नोट्स भी आप लोगों को PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिए गए थे। आज रिविजन हो जाएगा, फिर वेडनेसडे को हम इसके प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो उसके साथ में 3 चैप्टर हमारे रिवाइज भी हो गए हैं साथ साथ में। चलिए देखिए प्लांट किंगडम, और उसको बताने से पहले, शुरू करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी हम जरूर देंगे। वो ये है कि क्रैक अन अकेडमी प्रोडोजी स्कॉलरशिप टेस्ट, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसको आप अगर जीतते हैं तो 11 करोड़, देखिए प्राइस जो है वो इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा अभी। और ये जो है 24th एंड 25th जुलाई को है, 2021। चलिए भैया बहुत बढ़िया है, 2000 आपके जुलाई के अंदर, 24 और 25 को, ये आपका इसका शेड्यूल है। देख लो आप लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको दे सकते हो। टारगेट 2023 वाले जो हैं वो 10th का देंगे, 2022 के लिए 11th, एंड 23 के लिए वही, जी के लिए भी 10th का सिलेबस है। आपका स्केड्यूल जो रहेगा वो 24 एंड 25 को रहेगा। ये टाइमिंग्स हैं जहाँ पे आपका टेस्ट होगा ये स्कॉलरशिप। और बिल्कुल अगर आप जीत जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर कॉलेज की फीस जो है वो स्पॉन्सर्ड होगी। टॉप 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये कुछ प्राइजेज है जो रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो आप इनको विन कर सकते हैं। और स्लैब जो है वो कुछ ऐसा है, रैंक 1 to 10 100%, रैंक 11 to 15 75%, ये रैंक 51 to 100 जो है 50%, एंड रैंक ये स्लैब है आपका, ठीक है? फिर यूज कोड करना होगा इसको टेस्ट को देने के लिए आपको, व्यास VYES, बिल्कुल ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पुराने लास्ट ईयर के हैं जिन्होंने विन किया था इसको, और कोड अप्लाई कीजिए। ये आपको हमने दे दिया है लिंक, जहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब, आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है? व्यास कोड अप्लाई करना, जब वहां जाके अपने आप को एनरोल करो। अभी देखिए जुलाई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर हैं अन अकेडमी की तरफ से, क्योंकि अगर आप 2 साल के लिए अपना कोर्स लेना चाहते हैं अन अकेडमी का प्लस का, तो आपको पे करने होंगे 49,999 रुपीज ओनली। बट यहाँ पे कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज व्यास VYAS। चलिए नर्चर बैच, आरोहन बैच, जीवनी बैच, अतुल्य बैच, ये अभी बैचेस रनिंग है आपके। नीट 2021 को क्रैक करना है तो मॉक टेस्ट के लिए भी अपने आप को एनरोल करो। 15 जुलाई जो है लास्ट डेट है फ्री में एनरोल करने के लिए। चलिए भाई, चलिए, वेरी गुड मैम। फॉर्म फिल कैसे करेंगे? ये जो आपको लिंक दिया गया है, ये आपको लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो अगर है हिम्मत और आपको लगता है कि आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हो तो जुट जाओ और जाके ये एग्जाम जरूर दो। अपने आप को जब वहां पे एनरोल करो, कोड अप्लाई करना व्यास VYAS व्यास, ठीक है? रूबी मिश्रा, हेलो एवरीवन, हेलो। चलिए चलिए चलिए, फाइनली हम आ जाते हैं हमारे मुद्दे की बात पे। हम प्लांट किंगडम जो है उसका रिविजन ले रहे हैं अभी, तो जितने भी स्टूडेंट हैं अटेंटिव होके स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे मेरे साथ में, ठीक है? पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ने पर फोकस करो, सारी कहानी इसी के पीछे है। खुद में अगर हिम्मत है, खुद में ताकत है और खुद में जुनून है, तो आप अपने नीट का एग्जाम क्रैक कर जाएंगे, ठीक है? तो जुनून आप में होना चाहिए, पढ़ने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, और हौसला आप में होना चाहिए कि हाँ हम हर क्लासेस को लेंगे, अटेंड करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? केवल और केवल फोकस यही होना चाहिए। चलिए बात करते हैं। RHV टेकर ने हमें बोला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है?
वहां पे हमारे लिए लेके आए एक किंगडम जिसका नाम था प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम तो आपका लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ही दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे इसको और हम बोलते हैं क्लासिफाइड किया गया, इसको और हम बोलते हैं ना कि करेक्टराइज किया गया, कि प्लांट किंगडम में अब रखे गए हैं केवल ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जो कैसे थे, जो कि क्लोरोफिल कंटेनिंग थे। कौन थे? क्लोरोफिल कंटेनिंग, जिनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट था फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं। दे आर प्लांट प्रोड्यूस, ये है प्रोड्यूसर। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन जब स्टार्ट होगा तो फूड बनाने वाला पहला आपका रसोइया जो है वो आपका प्लांट ही होगा। तो ये है रसोइये, ठीक है, खाना बनाते हैं ये और खाने का लुत्फ उठाते हैं आप। लेकिन ऐसा बात नहीं है, रसोइया भी खाना खाता है। तो भैया ये अपना फूड खुद से बना रहे हैं, आप इनको खा पा रहे हो, तो फिर आप आ जाते हो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे और आप इनको ईट करते हो, ठीक है। आप हो हिटरोट्रॉफिक, वहीं पे फंजाई जो है वो हिटरोट्रॉफिक थी, उसको यहां से सेपरेट कर लिया गया। मोनेरा जो कि प्रोकैरियोट थे उनको भी प्लांटी से हटाया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में था, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्ट जो है उनको भी आपने हटा दिया था, ठीक है ना। तब आरएचवी टक्कर के क्लासिफिकेशन में आए थे ये प्लांट किंगडम, जिनमें क्लोरोफिल था जो कि अपना फूड खुद से बना सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बट सेल वॉल को लेकर कंफ्यूजन होता है, सेल वॉल फंजाई के अंदर काइटिन की है, मोनेरा में पेप्टिडोग्लाइकेन की है, और जो प्रोटिस्ट है जिनमें फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करेंगे तो उनके पास में होती है सेल वॉल, वो एकदम वैसी है जैसे प्लांट के पास होती है, इसीलिए हम प्लांट लाइक उनको बोलते हैं। डायटम्स एंड डेसमिट्स, ये क्या है? ये आपके क्राइजोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट पायरोफाइट्स हैं, इन सभी को पहले एल्गी के अंदर ही रखा गया था। ये प्लांट लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो अब प्रोटिस्ट के अंदर रख दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा इन सभी में सेल वॉल है, बट इनके पास में सेलुलोज की सेल वॉल होती है। साइनोबैक्टीरिया, जिनको पहले प्लांट किंगडम में प्लेस किया गया था, ब्लू ग्रीन एल्गी हम उनको कहते हैं, लेकिन उनके पास में थे पिगमेंट सेम ऐसे ही जैसे कि प्लांट के पास में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वो प्लेस किए गए थे यहाँ पे, लेकिन अब उनको हटा दिया गया और उनको रख दिया गया है कहाँ पे? मुनेरा के अंदर रख दिया गया है। नाउ अब हम क्या बोल रहे हैं? हम उनको बोलचाल की भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, बिल्कुल हम उनको बोलचाल की भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, बट दे आर नॉट एल्गी एनी मोर, अब वो एल्गी नहीं है, क्योंकि एल्गी जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए? उनके पास यूकैरियोटिक सेल होनी चाहिए, और साइनोबैक्टीरिया के पास में यूकैरियोटिक सेल नहीं होती है, ठीक है। तो ये सभी अर्लियर क्लासिफिकेशन थे जो किए गए थे। ये आपको ट्री नजर आ रहा है, और ये क्या है भैया? आपका प्लांट किंगडम का प्लांट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखिए, द किंगडम प्लांटी नाउ कंटेन, इसमें कौन आते हैं? ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स आते हैं। मल्टी सेलुलर, जनरली मल्टी सेलुलर है। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, यस दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये शो करते हैं। हमने प्लांटी को डिवाइड किया है किस किस में डिवाइड किया है? एक क्रिप्टोगैमस में, दूसरा फिनेरोगैमस में, वो जिनमें शादी छुपी हुई होती है या फिर विजिबल होती है। क्रिप्टो का मतलब हो गया छुपी हुई, जिसके अंदर शादी क्या है? छुपी हुई है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो डिस्टिंक्ट आपको स्पष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ठीक है, ये आपके क्रिप्टोगैमस हैं। फिनेरोगैमस वो होते हैं जिनमें विजिबल मैरिज है, जिनके अंदर आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी या फिर जिनके अंदर सीड आपको देखने को मिलेगा। तो फिनेरोगैमस में आपके आ गए हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, याद रखेंगे इनको। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में से एल्गी को आप थैलोफाइटा भी बोलते हो, कई बार थैलोफाइटा वर्ड यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इनका बॉडी जो होता है दैट इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, आप इनको थैलोफाइट बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि थैलस इनका बॉडी होता है। तो ये कुछ अलग टर्म है जो इनके लिए यूज की जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिप्टोगैमस के बारे में। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, जिसके अंदर स्पष्ट रूप से आपको नजर नहीं आते हैं और सेक्स ऑर्गन, यस। तो देखिए, ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज एल्गी, फंजाई, लाइकेन, मॉसेस, फर्न्स आर इंक्लूडेड इन सब किंगडम, इस सब किंगडम के अंदर जो है रखे गए हैं। सेक्स ऑर्गन जो है दिखाई नहीं दे रहे, ये आपको नजर आ रहा होगा, तो इसके अंदर इसका गैमेटोफाइट नजर नहीं आ रहा है, केवल स्पोरोफाइट नजर आ रहा है, और जिसके अंदर भी कैप्स्यूल जो है वो आपको उसके अंदर नजर आ रहे होंगे। तो ये कैप्स्यूल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन है? ये आपकी मॉस है, ब्रायोफाइट है ये, ठीक है। बट आप बोलोगे मैम इसमें आपने फंजाई, लाइकेन और ये क्यों ऐड कर दिया? तो जब हम पढ़ते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन तब तो ये यहीं पे प्लेस किए गए थे, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, ये अर्लियर क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग यहां पे थे, बट अब इनको हटा दिया, यहां से हटा दिया गया है। बट आप जब भी
वही सेम चीज है कि जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना फंजाई और ये लाइकेंस को आपको बॉटनी के अंदर ही पड़ेगा, प्लांट्स के साथ ही आप इनको पढ़ते हैं। फिनेरोगैमस वो जिनके अंदर सीड बियरिंग प्लांट्स आते हैं, उनको हम स्पर्मेटोफाइट भी कहते हैं। स्पर्मा का मतलब ही क्या होता है, सीड होता है, सीड से मतलब होता है स्पर्मा का मतलब। तो इनके अंदर स्पर्मेटोफाइट यानी सीड बियरिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। कौन से हैं भैया, कौन से प्लांट है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म आपको इस पिक्चर में नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर फ्लावर है, पर जिम्नोस्पर्म के पास में ऐसा कुछ नहीं होता। हम बोलते हैं इनके पास में क्या है, इनके पास में नेकेड सीड होता है। नेकेड सीड मतलब क्या हुआ, इनका जो ओव्यूल है, इनका जो ओव्यूल है दैट इज नॉट एनक्लोज्ड, नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी, ओवरी से एनक्लोज्ड नहीं होता। इसी वजह से हमने बोला जिम्नोस्पर्म को कि इनमें नेकेड सीड पाए जाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर आपको फ्लावर देखने को मिल रहा है, इनके अंदर ओव्यूल जो है वो ओवरी के अंदर लगा होता है। तो ये अगर ओव्यूल है तो ये उसकी ओवरी है और ओवरी उसको चारों तरफ से कवर कर रही है, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में। तो सीड इनके नेकेड नहीं है क्योंकि ओव्यूल ही आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीड में, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ये आते हैं आपके फिनेरोगैमस में। वेरी गुड, चलिए, यस मैम, सबका यस मैम आता रहेगा, साथ साथ में चैट बॉक्स में पढ़ने वाली बातें लिखेंगे ताकि क्या है आप लोगों की तैयारी जम के हो, रिवीजन अच्छे से हो। वेल अटेंटिव, वेल अटेंटिव, पूरा अटेंशन जो है क्लास की तरफ होगा, नो इधर एंड नो उधर। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कई तरह के क्लासिफिकेशन जो है वो दिए गए प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए। देखिए सबसे पहला अटेम्प्ट जो है जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर हम बोल सकते हैं ना कि केवल सुपरफिशियल कुछ एक दो करेक्टर को यूज करके ही क्लासिफिकेशन कर दिया गया था। ये अर्ली अटेम्प्ट थे, ज्यादा जानकारी हमें प्लांट्स के बारे में नहीं थी, हम केवल उनको मॉर्फोलॉजिकली देखकर समझ सकते थे या फिर उनके हैबिटेट को आसपास के हम देख लेते कैसे उनमें अडेप्टेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनके करेक्टर होते थे, ठीक है। ये कहानियां तो हम बाद में समझने लगे, लेकिन तब हमने सिर्फ उनको देखा और हमने जाना क्या कि प्लांट्स जो है वो छोटे हो सकते हैं, जिनको हम हर्ब्स बोल सकते हैं, उनसे थोड़े हम बोलते हैं ना बुशी जो अपीयरेंस अपना शो करते हैं, जिनमें थोड़ी सी वुडी हम बोलते हैं स्टेम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं शब्स, और जिनमें वेल वुड आपको वेल बार्क जो होती है ना वो देखने को मिलती है, वुडी जो प्लांट होते हैं जो बड़े साइज में होते हैं उनको हमने ट्री बोला। तो सबसे पहले आर्टिफिशियली सिस्टम के अंदर प्लांट्स को हर्ब्स शब्स एंड ट्री के अंदर डिवाइड किया, किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने किया। थियोफ्रेस्टस कौन, फादर ऑफ बॉटनी है, ये फादर ऑफ बॉटनी, अरस्तु जो सॉरी एरिस्टोटल जो है उसके स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। चलिए फिर इसके बाद में अर्ली अटेम्प्ट के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल सुपरफिशियल करेक्टर्स को लिया गया, जैसे कि उनकी हैबिट, कलर कैसा है, नंबर कैसा है, लीफ की शेप जो है कैसी है, बाहर से कैसा नजर आ रहा है इसको। चलिए तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, कार्लस लीनियस जो थे, कार्लस लीनियस इन्होंने भी हमें आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने लेकिन इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव करेक्टर को और हमारे रिप्रोडक्टिव करेक्टर को, प्लांट के रिप्रोडक्टिव करेक्टर को। क्यों, देखिए वेजिटेटिव करेक्टर जो होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाते हैं, बट रिप्रोडक्टिव करेक्टर कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे कि जीरोफिटिक प्लांट के अंदर देखो, उनके अंदर ड्राई कंडीशन में रहने के लिए, एक्सट्रीम टेंपरेचर की कंडीशन में रहने के लिए कुछ अडेप्टेशन देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर आप किसी अगर रेनी जगह जहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है वहां पर अगर आप देखोगे प्लांट्स को तो उनके अंदर आपको चेंज देखने को मिलेगा, अडेप्टेशन में चेंज होगा। कोई अगर वाटर प्लांट है, हाइड्रोफाइट है, तो उसके अंदर क्या होंगे, उसके अंदर उस तरह के अडेप्टेशन हमें देखने को मिलेंगे। हर प्लांट के अंदर अकॉर्डिंग टू हैबिटेट चेंज होता है, लेकिन वो चेंज उनकी वेजिटेटिव करेक्टर में होता है। लीनियस ने दोनों को इक्वल वेटेज दिया, कहानी गड़बड़ कर दी, सारी कहानी खत्म। तो इस वजह से आर्टिफिशियल सिस्टम को हम नहीं मानते, पहली बात तो यही ड्रॉबैक था इसीलिए नहीं माना। फिर दूसरा हम क्या बोल रहे हैं कि हमने यहां पे केवल कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखते ही हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेकिन यह भी गलत था क्योंकि हमें पूरी वेल जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी स्पीशीज जो है किस स्पीशीज से हम ये बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी जो है मोर एडवांस है, कौन सी जो है वो हम बोल सकते हैं कि हमारी प्रिमिटिव स्पीशीज है। ये सब चीजें जो है ये हमने जानी नहीं, ये हमने यहां जानी नहीं, तो हमने क्या कहा, ये तो बड़ा ड्रॉबैक है, इसको हम नहीं मानेंगे। इसमें किसी भी नेचुरल एफिनिटी को फाइलोजेनेटिक रिलेशन यानी कि दो स्पीशीज के बीच के रिलेशन को एंटर हम बोलते हैं कि नहीं माना, नहीं रखा गया, इसीलिए हमने इसको मान लिया, क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, बिल्कुल कैंसिल है। तो थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस, कोई पूछे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया, थियोफ्रेस्टस एंड लीनियस ने, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत थे, पिलनी वगैरह ने भी दिया है, लेकिन आप जो मेन फेमस जो नेम है जिनके बारे में पूछा जाता है वही आप आंसर करेंगे।
फिर नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको 2D क्लासिफिकेशन भी हम कहते हैं, जो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, यानी कि यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर तो देखे ही देखे, उसके साथ में इंटरनल फीचर भी देखे कि उनके अंदर उनका जो एनाटॉमी है वो किस तरह की है, क्योंकि आप देखो मोनोकॉट एंड डाइकॉट दोनों के अंदर डिफरेंस आता है कि नहीं आता, मोनोकॉट के पास में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, डाइकॉट के पास में वेस्कुलर कैम्बियम होती है, सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं, तो एनाटॉमी में चेंज है, लेकिन अगर आप देखोगे मोनोकॉट एंड डाइकॉट में तो जो मोनोकॉट होते हैं दे आर मोर एडवांस, वो ज्यादा एडवांस है, लेकिन हमें लगता है क्या है कि डाइकॉट एडवांस होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मोनोकॉट जो है वो ज्यादा एडवांस है, लेकिन ये हमें कब पता चला, कैसे पता चला, जब हमने उसकी एनाटॉमी की स्टडी की, हमने एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की, फाइटोकेमिकल स्टडी की, यानी उनके सेल के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, किस चीजों का स्टोर कर रहे हैं, हर प्लांट का अलग अलग होता है ना, कोई प्लांट होता है लेटेक्स को रिलीज करता है, कोई रेजिन को, कोई गम को, तो वो सब क्या है उनके सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सभी चीजें जो है वो हमने स्टडी की, ये सारी चीजें जब स्टडी की तब जाके आया हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे मोस्ट हम बोलते हैं फेमस वाला जो है वो बेंथम एंड हुकर का है, हम बोल रहे हैं इन्होंने अब एक क्लासिफिकेशन दिया फ्लावरिंग प्लांट का, ठीक है, और इसी को हम यूज भी करते हैं, जिसको इन्होंने लिखा था अपनी बुक जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम, याद रखेंगे उस बुक का नाम क्या है, जेनेरा प्लांटेरम, और जबकि स्पीशीज प्लांटेरम जो बुक है वो बुक जो है वो आपके कार्लस लीनियस का बुक है, याद रखेंगे, तो बेंथम एंड हुकर का मोस्ट फेमस है। बट फिर देखो और एडवांस हमारे पास में आ गया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स को हमने डिवाइड किया, ठीक है, लेकिन डिवीजन का आधार क्या था, डिवीजन का जो आधार था वो था उनके मोर्फोलॉजिकल करेक्टर, उनकी एनाटॉमी, उनकी एम्ब्रियोलॉजी, उनकी जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स जब नाम आया तो समझ जाओगे कि यहां पर इवोल्यूशनरी रिलेशन यानी स्पीशीज के आपस में रिलेशन जो है उसको भी इंक्लूड किया गया, तभी तो हमें पता चला कि कौन सी जो है ग्रुप जो है प्लांट का वो एडवांस है और कौन सा ग्रुप जो है वो क्या है आपका प्रिमिटिव है, ठीक है, हम उस आधार पे बोलते हैं। किससे डेवलपमेंट हुआ ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन हम बता सकते हैं कि मोर एडवांस कौन है आपके एंजियोस्पर्म है, प्रिमिटिव में देखोगे तो एल्गी आएगा, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आएगा, तो ये किसी ना किसी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप जरूर हुए होंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एल्गी से ब्रायो आया, ब्रायो से टेरिडो आया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि पहले एल्गी आया होगा और फिर उसमें एडवांस कैरेक्टर डेवलप हुए, देन ब्रायोफाइट्स डेवलप हुए होंगे, ठीक है, ऐसा हम लोग मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव कैरेक्टर है एल्गी के पास में, ब्रायोफाइट के पास में एडवांस कैरेक्टर है, चलिए ऐसा हम मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो होता है इसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम कह रहे हैं। किसने दिया टर्म फाइलोजेनिक टर्म, किसने दिया, दैट इज गिवन बाय लैमार्क, और कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी किसने दिया, हैकल, याद रखेंगे, ये जो फाइलोजेनी है इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, याद रखेंगे फाइलोजेनी को हम बोलते हैं, एट द प्रेजेंट इसी को हम यूज कर रहे हैं, मोस्ट एक्सेप्टेबल है, और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम किसी भी प्लांट का फैमिली ट्री बनाते हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लेडोग्राम, क्लेडोग्राम, क्लेडोग्राम हम उसको कहते हैं, तो किसी भी प्लांट का क्या, किसी भी ऑर्गेनिज्म का भी बनाया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेडोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी के अंदर कुछ और भी ब्रांचेस है जो कि हमें हेल्प करती है इस स्टडी में, क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी इसी पे बेसिस था, इसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, तो उसको हम बोलेंगे क्लासिकल टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी या कैरियो टैक्सोनॉमी, नाम पे ही चले जाओगे, साइटो से वर्ड आ गया साइटो, लॉजिकल स्टडी ऑफ द सेल, हम सेल की जब क्या करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी करते हैं। कैरियोटैक्सोनॉमी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, कि कितने नंबर में क्रोमोसोम है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह का उनका बिहेवियर होता है। हर प्लांट के अंदर देखो प्लॉइडी लेवल भी अलग देखने को मिलता है, एल्गी के पास में क्या है, हैप्लॉइड है, फंजाई भी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ये सब चीजें हमें कैसे पता चली, जब हमने क्या किया उनकी साइटोटैक्सोनॉमी कैरियोटैक्सोनॉमिक स्टडी की थी, तो इसको भी इंक्लूड किया गया, ये ब्रांच है टैक्सोनॉमी की, इसकी हेल्प से भी हम करते हैं, ठीक है, टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर आ जाता है हमारा कीमोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया, कि यहां पर जो है हम डीएनए की सीक्वेंस कैसी है, किस तरह की प्रोटीन वो बनाएगी, ये सब चीजों की स्टडी की जाती है कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर, और इसी का भी हेल्प लिया गया, इसका भी हेल्प लिया गया, तो वो कीमोटैक्सोनॉमी कहलाई। क्वेश्चन यहां पे कैसा आएगा, पूछा जाएगा कीमोटैक्सोनॉमी
क्या है, साइटोटेक्सोनोमी क्या है, तो वहां पे किसकी स्टडी की जाती है ये पूछा जाएगा। तो आपको पता है कीमो के अंदर किसकी स्टडी की जा रही है, यहाँ पर डीएनए की सीक्वेंस और डीएनए किस तरह का प्रोटीन बना रहा है, मतलब बहुत ही मोलिकुलर लेवल पे हम यहाँ पे चले गए हैं। तो उसकी स्टडी की जाती है कीमोटेक्सोनोमी के अंदर, यानी केमिकल पता चल रहा है ना आपके प्रोटीन के बारे में पता चल रहा है। चलिए न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी जिसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप फिनेटिक्स भी बोलते हैं, इसको ही आप एडन सोनियन टेक्सोनोमी भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको कुछ साइन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और साइन बताकर आप क्या करते हो, मान लीजिए कोई भी एक स्पेसिमेन है उसके पास में हमेशा क्या होगा, एक करेक्टर का एक ही ट्रेट उसमें नजर आएगा, सारे ट्रेड तो एक साथ नहीं होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि एक ही टाइम पे लंबा भी हो जाएगा छोटा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कुछ साइन या सिंबल दे दें और फिर उनका ये पूरा डाटा जो होता है कंप्यूटर में रख दें, और उसके बाद में क्या करें, हमारा जो स्पेसिमेन है उसके बारे में जब जानकारी लेनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर सर्च कर सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि हमारे स्पेसिमेन जो है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, क्योंकि इसके अंदर ये करेक्टर थे जो हमने वहां देखे। और करेक्टर जो साइन यूज किए जाते हैं वो क्या होता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो साइन यूज किया जाता है। पॉजिटिव का मतलब कैरेक्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव का मतलब हो गया कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के जो हम बोलते हैं सिंबल यूज किए जाते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में। और यहाँ पे सारे जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जितने भी उन सबको इक्वल वेटेज दिया गया है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या करना है केवल प्रेजेंस एंड अब्सेंस हम देख रहे हैं और उसका पूरा डाटा लिस्ट जो है हमारे कंप्यूटर के अंदर हम खुद ही फिल कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी, नेक्स्ट टॉपिक है एल्गी। ओके मैम कयाज, वेरी गुड। चलिए देखें जरा कौन, ओके मैम अटेंटिव होके सुन रहा है मुझे, फटाफट से पता चले हमें। हेलो, चलिए वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया आशुतोष, वेरी गुड। प्रीति भन्या, ओके मैम वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। ब्रजेश शर्मा, हेलो वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। लक्षिता, वेरी गुड। ऋषिका, वेरी गुड। सुजिका, निखिलेश, चलिए बहुत बढ़िया। सलोनी, वेरी गुड। अंशु, नेहा, सोनम, अभिनंदन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए मतलब काफी बच्चे जो है अटेंटिव होके पढ़ रहे हैं, सबका नाम आ गया है। अभी देखते हैं बीच में फिर से देखेंगे कौन कौन पढ़ रहा है, हम देखेंगे। चलिए निखिलेश, वेरी गुड बच्चा लोग, वेरी गुड। चलिए एल्गी एल्गी एल्गी, सबसे पहला हमारा ग्रुप आ जाता है एल्गी। एल्गी के अंदर कौन आते हैं, देखो एल्गी जो होती है ये क्लोरोफिलस है, इनके पास में पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, सिंपल फॉर्म है, सिंपल है, सरल है, क्योंकि रूट स्टेम लीफ तो है नहीं, स्ट्रक्चर में हमें ज्यादा डिफरेंस, हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बॉडी कैसा है, बॉडी इनका थैलोइड होता है जो कि रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड नहीं होता, ऐसे बॉडी को हम थैलोइड बोलते हैं, जो कि रूट में स्टेम के अंदर एंड लीफ के अंदर डिवाइडेड नहीं है उसको हम बोलेंगे थैलोइड बॉडी। ऑटोट्रॉफिक है भैया, क्लोरोफिल है तो फूड, आपका फूड तो खुद से बनाएंगे बनाएंगे बिल्कुल। ये जो होती है एल्गी लार्जली एक्वेटिक होती है, ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों के अंदर आपको देखने को मिलती है। आप जब देखेंगे आगे रोडोफाइसी के बारे में रेड एल्गी तो वो मरीन हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्राउन एल्गी देखेंगे मरीन में प्रेजेंट होती है, ग्रीन एल्गी अगर आप देखोगे तो वो फ्रेश वाटर में मरीन हैबिटेट दोनों में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इनकी ऑक्यूरेंस जो होती है केवल, हमने बोला लार्जली एक्वेटिक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेरेस्ट्रियल नहीं हो सकती है, ये आपकी टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, ये मॉइस्ट स्टोन जो होते हैं उस पर भी प्रेजेंट होती है, सॉइल पे भी प्रेजेंट होती है। अब देखो आपने अगर कहीं पे भी पानी जहां पे जमा हुआ देखा होगा मिट्टी के किनारों पे, आप वहां पे ग्रीन कलर की एक लेयर देखेंगे, पतली पतली चिपचिपी सी होती है वो लेयर, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो एल्गी है। नालियों के अंदर आपने देखी होगी जहां पे साफ सफाई नहीं हो रही है वहां पे भी एल्गी जम जाती है, इवन आपके घर की टंकी पानी अगर आप साफ ना करो लंबे टाइम तक तो उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी आप एल्गी देख सकते हो, और आपके पाइप्स जो होते हैं जिनमें आप पानी देते हो कूलर वूलर भरते हो तो उनके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलती है, एल्गी देखने को मिलती है अगर साफ सफाई ना हो तो, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह इनकी अकेरेंस आपको देखने को मिलेगी, स्टोन पे, सॉइल पे, वुड पे, इवन हम बोलते हैं फंजाई के साथ में एल्गी जो है वो लाइकेन फॉर्म करेगी, और एनिमल जैसे कि स्लॉथ बियर आपको पिक्चर के अंदर नजर आ रहा होगा इसके ऊपर भी, देखो इसकी बॉडी के ऊपर भी एल्गी है, राइट। तो यहां पे हम बोल रहे हैं एल्गी का अकेरेंस कई जगह होता है, ये कई हैबिटेट जो है उनको शेयर करते हैं। फॉर्म एंड साइज के बारे में बात करें तो हाईली वेरिएबल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी होती है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, इसको हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, नॉर्मली नेकेड आई से आप नहीं देख सकते, ये यूनि
सेमी सेलुलर होता है। इसको अभी तो प्रोटिस्ट के अंदर प्लेस कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, बट फिर भी इसकी स्टडी हम यहाँ पे प्लांटी के अंदर, क्लोरोफाइसी के अंदर ही करते हैं, ग्रीन के अंदर ही हम इसकी स्टडी करते हैं। ये कॉलोनी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वॉल वॉक्स, ये आपको नजर आ रही होगी, ये वॉल वॉक्स की कॉलोनी है। सबसे हम बोलते हैं ना कि ऐसी कॉलोनी जो मोटाइल होती है, तो उसका एग्जाम्पल होता है आपका वॉल वॉक्स, कॉलोनी फॉर्म में होता है। इसमें फिलामेंटस फॉर्म भी है, जैसे कि यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरो गायरा, ये आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी, कई सारी सेल है एक फिलामेंट को यहाँ पे फॉर्म कर रही है, राइट। ये देखो एक फिलामेंट फॉर्म कर रही है, तो फिलामेंटस फॉर्म भी होती है एल्गी। और इवन मरीन हैबिटेट में पाए जाने वाले कैल्प्स, ये ब्राउन एल्गी है, कैल्प्स जो है ये ब्राउन एल्गी होते हैं, इनकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है, कई फिट तक ये अपनी हाइट ले लेते हैं। सेल वॉल में मेनली इनमें सेलुलोज देखने को मिलेगा, इसके अलावा सेल वॉल जो इनका बहुत स्पेसिफिक है, इनके अंदर हर एक ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग यहां पर बायोमोलिक्यूल्स भी देखने को मिल सकते हैं, सेलुलोज के अलावा भी, इसीलिए लिखा गया है सेलुलोज के साथ अदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल से आप एल्जीन, फ्यूनोरी, ये सभी जो है वो प्राप्त करते हो, तो वो प्रेजेंट कहां है, वो इनकी सेल वॉल में ही प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है इनका, स्टार्च इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और स्टार्च की कई फॉर्म भी हो सकती है, ठीक है, स्टार्च की कई फॉर्म भी, इनका डेरिवेटिव भी हो सकता है, बट यस जनरली अगर आप बात करोगे तो स्टार्च ही इनका क्या है, मेन इनका स्टोरेज फूड है। क्लोरोफिल है इनके पास में, क्लोरोफिल ए बी सी, क्लोरोफिल ए बी सी डी चारों इनके पास में प्रेजेंट है, कैरोटीनॉइड्स हैं इनके पास में, और पिगमेंट में इनके पास में फाइकोबिलिन्स भी हैं, फाइकोबिलिन जिसमें हम बोलते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कलर के लिए हो, जैसे फाइकोसाइनिन, इनके पास में फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन ये प्रेजेंट होते हैं, इरिथ्रीन ये प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनका कलर जो है वो कैसा आता है, इनका कलर आता है रेड कलर का फाइको इरिथ्रीन की वजह से। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, ये पिगमेंट भी इनमें पाए जाते हैं ब्राउन कलर के लिए, ठीक है। तो पिगमेंट बहुत स्पेशल है इनका, और आपको पता है फाइको इरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन ऐसे ही पिगमेंट जो है वो आपके साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में भी पाए जाते हैं, बट दे आर नो मोर एल्गी, इसलिए उनको हटा के प्रोकैरियोट्स में रख दिया गया है। देखिए रिप्रोडक्शन इनमें वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब उनका मेन बॉडी डिवाइड होगा इनटू पार्ट्स, फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंट जो होते हैं वो थैलस को डेवलप कर लेते हैं। फिर देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है, मेनली यहाँ जो स्पोर बनते हैं दे आर जू स्पोर बनाते हैं, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहे होंगे जू स्पोर, जिनमें यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, और जर्मिनेशन से ये क्या करेंगे, न्यू प्लांट बनाएंगे। जू स्पोर इनसाइड जू स्पोरेंजिया बनते हैं, जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर होते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए एल्गी के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे इनके पास में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, जैकेट नहीं होती। अगर किसी एक सिंगल सेल को मैं बोल दूं कि यही इनके सेक्स ऑर्गन है तो गलत बात नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिंगल सेल्ड ही होते हैं। जैकेट जो होता है, कवरिंग जैकेट जो होता है, ये इनके पास में नहीं होता, नॉन जैकेटेड होता है। लेकिन कारा इनके पास में एक एडवांस एल्गी है, कारा एक एडवांस एल्गी है जिसके पास में जैकेटेड आपको देखने को मिलते हैं सेक्स ऑर्गन, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, बट उसकी हर एक सेल जो होती है वो फर्टाइल होती है, हर एक सेल फर्टाइल होती है यानी रिप्रोडक्शन करके गैमेट बना सकती है। अब ये आइसोगैमस, अनआइसोगैमस, ओगैमस टाइप का हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, साइज में सिमिलर, यानी कि सिमिलर गैमेट के बीच में जब फ्यूजन हुआ आइसोगैमी। अगर साइज में क्या है, साइज के अंदर डिससिमिलर यहां पर देखने को मिल रहे हैं, उनके बीच में फ्यूजन हुआ अनआइसोगैमी। ओगैमी एक आपका जो फीमेल है वो कैसा है, नॉन मोटाइल है, साइज में बड़ा है, जबकि जो मेल होता है, जो मेल है वो कैसा है, वो मोटाइल है और साइज में छोटा है, उसके बीच में फ्यूजन हुआ ओगैमस, तो तीनों तरीके से होगा। फिर देखिए लाइफ साइकिल जो होता है इनके अंदर जनरली हैप्लोंटिक होता है, जनरली हैप्लोंटिक बोला है, बट मैं आपको बता दूं ये हैप्लोंटिक, डिप्लोहैप्लोंटिक एंड डिप्लोंटिक तीनों ही शो करते हैं, डिप्लोंटिक भी है और हैप्लोडिप्लोंटिक भी होता है, तीनों लाइफ साइकिल होता है, लेकिन ज्यादातर हैप्लोंटिक होता है क्योंकि इनका जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी वो कैसा है, इनका मेन बॉडी जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो यहां पर ये क्या करेंगे, जाइगोटिक मियोसिस करेंगे। कैसे, इनका मेन बॉडी हैप्लॉइड है, गैमिट बनाएंगे, हैप्लॉइड यहां पर क्या बन जाएंगे, गैमिट
बन जाएंगे, ये इनके गैमीट है, ठीक है। गैमीट ने फ्यूजन किया, सिनगैमी हुई, जब सिनगैमी होगी तो क्या होगा, सिनगैमी होगी तो जायगोट बनेगा 2n, लेकिन इसको हैप्लोइड पेरेंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मियोसिस जो है वो करना पड़ेगा, तब आपके यहाँ पे मेन बॉडी फॉर्म होगा, तो इसको जायगोटिक मियोसिस बोलेंगे, प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू इनमें एब्सेंट है, इनमें नहीं है, एक्वेटिक फॉर्म है, वाटर कंडक्शन के लिए इनको जरूरत नहीं होती, इवन जियांट फॉर्म में भी वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यू कहाँ अराइज हुए, आपने देखे टेरिडोफाइट्स के अंदर, इसीलिए उनको फर्स्ट वैस्कुलर टेरिस्ट्रियल प्लांट या फिर ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है। एल्गी को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, तीन ग्रुप के अंदर, ठीक है, और साथ में स्टोर्ड फूड, याद रखना पिगमेंट के साथ स्टोर्ड फूड जो है इसको भी डिवीजन का आधार माना है, बेसिस माना है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन कलर की है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी ब्राउन कलर की है, रोडोफाइसी रेड कलर की है। चलिए फिर देखो, ग्रीन कलर की है तो क्लोरोफिल कौन सा है, ग्रीन के पास ए एंड बी। स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च एंड शुगर। सेल वॉल कैसी है, सेलुलोज की बनी। इनके पास में फ्लैजिला होते हैं 2 से 8 तक, लेकिन इक्वल होते हैं और एपिकली अरेंज होते हैं, एपिकल, ठीक है। फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में आपको देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक है ये। ब्राउन एल्गी में ए के साथ यहाँ पे सी होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड बीटा कैरोटीनोइड्स हैं, आपको याद रखने की जरूरत है फ्यूकोजेंथिन को, क्योंकि ब्राउन कलर इसकी वजह से होता है। स्टोर्ड फूड क्या है इनका, मैनिटोल एंड लेमिनेरिया। सेलुलोज और सेलवॉल में देखो एल्जीन प्रेजेंट है, इनके पास में भी फ्लैजिला है, अनइक्वल होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन लेटरली लोकेटेड होते हैं, लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी फ्रेश वाटर में रेयरली पाए जाते हैं, ज्यादातर ये सॉल्टी यानी मरीन हैबिटेट में है, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी, रेड रेड कलर की है, किसकी वजह से है, क्योंकि फाइकोसाइनिन एंड फाइको इरिथ्रिन है इनके पास में, इरिथ्रिन की वजह से है ये। क्लोरोफिल ए के साथ डी कॉम्बिनेशन में है, तो ए एंड बी ग्रीन, ए एंड सी ब्राउन, और ए एंड डी आपका रोडोफाइसी। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये जो होता है इनका स्टोर्ड फूड है, ग्लाइकोजन की तरह होता है, एमाइलोपेक्टिन एंड आपके ग्लाइकोजन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इनका स्टोर्ड फूड है। सेलुलोज इनकी वॉल में प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला इनमें एब्सेंट होता है, इनके पास में कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं, किसी स्टेज में डेवलप नहीं होती। ये भी कुछ फॉर्म फ्रेश वाटर में, और ज्यादातर ये आपको ब्रैकिश वाटर में या सॉल्ट वाटर के अंदर देखने को मिलती है। रेड एल्गी, अगर बात करें जनरली क्लोरोफाइसी, इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, यूनिसेलुलर है, क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनियल है, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस है, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ठीक है। पिगमेंट जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लांट है तो उनमें होंगे, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कई इसके पास में शेप का है, डिस्कॉइड है देखो यहाँ पे, रेटिकुलेटेड है प्लांट, इसके अंदर प्लेट लाइक होता है, स्पाइरल या फिर रिबन शेप भी हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कई फॉर्म आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर है इनके पास में पायरेनॉइड। पायरेनॉइड क्या होता है, जिसके चारों तरफ स्टार्च होता है, बीच में प्रोटीन होती है, ये स्टोरेज बॉडीज होती है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। सो पायरेनॉइड क्या है, पायरेनॉइड प्रोटीन enclosed with the starch sheath, ठीक है। तो वहां पे स्टार्च जो है चारों तरफ प्रेजेंट होता है, प्रोटीन बीच में है, तो ये पायरेनॉइड स्ट्रक्चर इनके अंदर स्पेशली क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। फूड स्टोर करेंगे, स्टार्च होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में करेंगे। सेल वॉल जो होती है दैट इज रिजिड, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, बट इनके पास एक आउटर लेयर होती है जो पेक्टोज की बनी होती है। तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज के साथ पेक्टोज की बनी होती है, ठीक है। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल देखो, यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, वॉल्वॉक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, और कारा, कैरा जो है इसको हम एडवांस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड होता है, और हर एक सेल इसकी फर्टाइल होती है। फियोफाइसी ब्राउन कलर की एल्गी है, मरीन हैबिटेट में ज्यादातर देखने को मिलती है, मैंने आपको बोला था ज्यादातर मरीन में है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। इसके अंदर हाइट में ग्रेट वेरिएशन है, कई साइज एंड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो, ब्रांच्ड हो सकती है, फिलामेंटस, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस जो है प्रोफ्यूजली बहुत ही मैसिव तरीके से क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्प्स कहते हैं, और इसकी हाइट 100 मीटर तक की भी होती है। तो जियांट फॉर्म जो है वो यही है ब्राउन एल्गी के अंदर। ए एंड सी क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ज़ेंथोफिल पाए जाते हैं। अब देखो, इनका ऑलिव कलर जो है वो किसकी वजह से है, वो इन्हीं पिगमेंट की वजह से है। इनमें पिगमेंट कौन सा है, ज़ेंथोफिल एंड फ्यूकोज़ेंथिन, इनकी वजह से ये ऑलिव ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ब्राउन कलर आप जिस वजह से इसको बोलते हो। स्टोर्ड फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, मेनली हम क्या बोलते हैं, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल, जो कि सर्फेस स्टरलाइजेशन के लिए टिश्यू कल्चर में काम में आते हैं। वेजिटेटिव सेल में सेलुलोज की हम बोल रहे कवरिंग है बिल्कुल, लेकिन जिलेटिनस आउटसाइड में, जिलेटिनस होता है एल्जीन जिसको हम कहते हैं,
तो आपके ग्रीन में क्या था, सेलुलोज के साथ में पेक्टोज, यहाँ पे सेलुलोज के साथ में एल्जीन। फिर देखो प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट जो है हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल इनके इनके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होती है, न्यूक्लियस होता है, ये तो किसी भी प्लांट सेल में पाया जाता है, करेक्टर बताने की जरूरत ही नहीं है। इनका जो बॉडी होता है दैट इज डिवाइडेड इंटू होल्ड फास्ट, स्टॉक एंड स्टाइप। इस पिक्चर के अंदर देखो होल्ड फास्ट सबस्टेटम से अटैच होने के लिए, स्टाइप जो है एक छोटा सा स्टॉक है जिसे फ्रंट जो होता है वो अटैच रहता है। फ्रंट जो है वो लीफ लाइक होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यही करते हैं। इसमें कहीं कहीं पे आप देखो एयर ब्लेडर, छोटे छोटे आपको एयर ब्लेडर जो है वो नजर आ रहे होंगे। पिक्चर याद रखना, ये लैमिनेरिया है, ये फ्यूकस है, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका पिक्चर है। रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, बिल्कुल। जूस पोर बायफ्लेजिलेटेड है, पियर शेप में होते हैं, लेकिन दो अनइक्वल यहां पर लिटरली लोकेटेड फ्लैजिला है, ब्राउन एल्गी के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो अनआइसो ओगेमस, तीनों तरीके से होता है, बिल्कुल याद रखेंगे। यहां पे यूनियन ऑफ गैमेट कहां हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है, ठीक है, वाटर के अंदर हो रहा है। और विद इन ऊगोनियम, याद रखेंगे ऊगोनियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, किसका, आपके एल्गी का, ये पूछा जाता है कई बार। ऊगोनियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया सार्गेसम एंड फ्यूकस। लेमिनेरिया सार्गेसम फ्यूकस एक्टोकार्पस डिक्टियोटा याद कर लेंगे। रेड एल्गी, ठीक है, रोडोफाइसी, इनके अंदर आर फाइको यूरिथ्रिन पाया जाता है, आर फाइको साइनिन पाया जाता है, रेड कलर इसी वजह से है। फिर देखिए ये ज्यादातर मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, ज्यादातर वार्म एरियाज जो होते हैं वहां पे हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सरफेस पे जब होते हैं तब ये ग्रीन कलर के नजर आते हैं, लेकिन ये जब डीप गहराई के अंदर होते हैं तब ये हमें रेड कलर में नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आर फाइको साइनिन जो होता है, आर फाइको यूरिथ्रिन जो होता है, वो एकदम नीचे तक पेनिट्रेट हो सकता है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो बाहर से आपको रेड कलर के नजर आने लगते हैं। मल्टी सेलुलर फॉर्म्स है इनकी, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के, स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आया गया क्वेश्चन है। अब देखो रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, नॉन मोटाइल स्पोर यानी कि एप्लेनोस्पोर इनमें बनते हैं। अब बोलोगे मैडम एप्लेनोस्पोर कहां से आ गए, आप तो जू स्पोर बता रहे थे, तो भैया इनके जो स्पोर है फ्लैजिला तो होंगे नहीं, रेड एल्गी के पास में कोई फ्लैजिला नहीं होता, नॉन मोटाइल गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। बट यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का लिखा और कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है, तो यहां पे ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि जायगोट जो है वो सीधा ही यहां पर पेरेंट बॉडी को नहीं बनाएगा, उसके अंदर कई चेंजेस आएंगे और उसके बाद वो बनेगा। और ऊगेमस क्यों बोला, क्योंकि यहां पर एक छोटा मोटाइल, मोटाइल नहीं होकर हम बोलते नॉन मोटाइल, स्पर्मेटिया जिसको हम मेल गैमेट बोलेंगे फॉर्म होगा, और वो फ्यूजन करेगा किसके साथ में, आपके फीमेल गैमेट के साथ में। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि साइज में डिफरेंस है, और हम बोलते हैं कि वो साइज में डिफरेंस होने की वजह से और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से सिर्फ फ्लैजिला का डिफरेंस आता है, कि फ्लैजिला नहीं है बस इनके पास में, इनके गैमेट में, तो ये ऊगेमस कहला देंगे। बाकी ऊगेमस जो है बिल्कुल हम बोलते हैं कि मेल गैमेट हमेशा क्या होना चाहिए, मोटाइल होना चाहिए। इनके एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरेरिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से हमें क्या मिलता है, हमें एगार, एगार जो है वो मिलता है, ठीक है। ये इनका लाइफ साइकिल है, देखो हैप्लॉइड बॉडी, मेन गैमेटोफाइट होता है इनका, माइटोसिस करके गैमेट्स बना लेंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे क्योंकि हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी है, फ्यूजन होगा जायगोट बनेगा, मियोसिस करेंगे और मियोसिस से ये मेन बॉडी अपना बनाएंगे, तो जायगोटिक मियोसिस इनके अंदर हो गया। मोस्ट ऑफ द फंजाई के अंदर यही होता है, लेकिन फ्यूकस जो है वो एक्सेप्शन है, उसके पास में डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल होता है, ये याद रखना, फ्यूकस के अंदर डिप्लोंटिक होता है। ब्रायोफाइट में आ जाओ, ब्रायोफाइट के अंदर आ जाओ, ब्रायोफाइट ये नॉन वैस्कुलर प्लांट है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर पे भी प्रेजेंट होते हैं और आपके हम बोलते हैं टेरिस्ट्रियल हैबिटेट पे भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट हैबिटेट जो होते हैं वहां पे ये मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इनका देखने को हमें मिलता है, नहीं मिलता भैया, डिप्लोइड स्पोरोफाइट कहाँ होता है, इनका तो मेन जो हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है इनका मेन बॉडी, यस, इनका इंडिपेंडेंट मेन बॉडी मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो उस पर डिपेंडेंट होता है, याद रखना, स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट का मेन बॉडी हैप्लॉइड मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट और उसके ऊपर डिपेंडेंट इनका स्पोरोफाइट होगा। ब्रायोफाइट के अंदर इंक्लूड किए गए हैं कौन, मॉसेस और लीवरवर्ट, कौन इंक्लूड किए गए हैं, मॉसेस एंड लीवरवर्ट, कहाँ देखने को मिलते हैं, मॉइस्ट
एंड शेडेड एरियाज में, हिल एरियाज में, पहाड़ों में जाओगे आसानी से देख पाओगे इनको। ये हमारे बेयर, हम बोलते हैं ना कि जब सक्सेशन होता है वहां पे, मॉसेस जो होती है वो बेयर रॉक्स पे आपके पायोनियर हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें लाइकेन सबसे पहले, फिर आपके ब्रायोफाइट आते हैं जिसमें मॉसेस होती हैं, ठीक है। इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलेंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की इनको रिक्वायरमेंट होती है। मॉइस्ट सॉइल पे रहना पसंद करेंगे, वाटर पे डिपेंडेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये कहानी बार बार हमने बता ही दी है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है सक्सेशन में, बता दिया है आपको। डैम्प ह्यूमिड शेडेड प्लेस में रहते हैं, बता दिया है आपको। इनका बॉडी जो होता है किसका, ब्रायोफाइट का, ये एल्गी की तरह ही हम बोलते हैं कि हाँ डिफ्रेंशिएटेड नहीं है रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर। ये भी बॉडी कैसा है इनका, इनका बॉडी जो होता है वो थैलस ही होता है, रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड नहीं होता। बट जो इनका थैलस होता है वो दो तरह का हो सकता है, या तो प्रोस्टेट या फिर इरेक्टेड। प्रोस्टेट का मतलब वो जमीन से फैला हुआ, इरेक्टेड का मतलब खड़ा होता है। प्रोस्टेट किसके अंदर होता है, लीवर वर्ट में। इरेक्टेड किसके अंदर होता है, आपके मॉसेस के अंदर। ये पिक्चर में जो आपको नजर आ रहा है ये इरेक्टेड फॉर्म है, ठीक है। और लीफी भी होता है, एक पोरेला जिसका नाम है वो, लेकिन लीवर वर्ट है वो, एक्सेप्शनली अलग कंडीशन होते हैं, लीफी होता है वो, लीफ लाइक नजर आता है उसका थैलस जो होता है इसीलिए। फिर देखिए ये जो पूरा हम बोलते हैं सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट शो करेगा विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। राइजोइड यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर राइजोइड किसमें, लीवर वर्ट में प्रेजेंट होंगे। मल्टी सेलुलर जो है वो आपके मॉसेस के अंदर प्रेजेंट होंगे। इनमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ नहीं पाई जाती। राइजोइड्स हैं बिल्कुल रूट लाइक है, लीफ लाइक फाइलोइड्स होता है, जो इनका थैलस होता है जो नजर आता है, लीफ लाइक नजर आता है वो इनका, उसको हम फाइलोइड बोलते हैं। एंड स्टेम लाइक क्यूलॉइड इनमें प्रेजेंट होता है। कुछ इरेक्टेड फॉर्म्स के अंदर देखोगे ना तो वहां पे स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसको आप क्या बोलोगे, कोलोइड्स आप उसको बोलोगे, ठीक है। अब प्लांट बॉडी जो होता है उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। पैरेन्काइमेटस टिश्यू की प्रेजेंस का मतलब क्या हो गया, कि ये फूड जो है वो क्या करेंगे, यहां पर स्टोर करेंगे, फूड स्टोरेज का काम हो रहा है यहां पे। मेन बॉडी ब्रायोफाइट का हैप्लोइड होता है, इसका मतलब क्या हो गया, वो है इनका गैमेटोफाइट, जो क्या बनाएगा, गैमीट को बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एंड जब ये गैमीट क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे तो जायगोट बनेगा, और वो जायगोट डिप्लॉयड होगा, इसलिए वो क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। बट वो स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करेगा गैमेटोफाइट के ऊपर, याद रखेंगे। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं। अगर आप लोगों ने मार्केंशिया देखा होगा, मार्केंशिया पिक्चर के अंदर आपको दिया होगा, इस तरीके से आप क्या करते हो, उनके ऊपर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया बनाते हो। आर्किगोनिया मेल है, एंथ्रीडियम सॉरी आर्किगोनिया फीमेल है, एंथ्रीडियम मेल होता है। जिस स्टॉक पे वो लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया लगता है एंथ्रीडियोफोर पे, आर्किगोनिया लगता है आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनिया लगता है आर्किगोनियो फोर पे, ठीक है। तो इस स्टॉक जो है ये प्रेजेंट है, इसीलिए हमने बोला है मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, स्टॉक्ड है। जैकेट जो होती है वो स्टेराइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, बाकी उसके अंदर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज होंगे। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये लीजिए एंथ्रीडियम मैंने बना दिया, ये अंदर वाले सारे के सारे आपके गैमिट बनाने वाले टिश्यू है और इसके ऊपर जैकेट है, बट जैकेट कैसा है, स्टेराइल है, जैकेटेड होते हैं, याद रखना। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलेंगे, जो कि बाइफ्लेजिलेट एंथ्रोजोइड्स बनाएंगे। बाइफ्लेजिलेट का मतलब दो उसके पास में फ्लैजिला है, ये है कहलाएगा एंथ्रोजोइड, जो कि इनका मेल गैमिट है, याद रखेंगे। ये देखो एंथ्रीडियम सेक्शनल व्यू देखा है, एंथ्रीडियम में ये क्या है आपकी अंदर वाली मदर सेल है, एंथ्रोजोइड मदर सेल, लेकिन बाहर आपको एक जैकेट नजर आ रहा होगा, ये जैकेटेड है, ये आपको स्पाइरल और बाइफ्लेजिलेटेड जो है एंथ्रोजोइड नजर आ रहा होगा। एग्जांपल है किसका, फ्यूनेरिया का दिया है यहां पे। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया कहते हैं, जिन ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, देखो नीचे की तरफ फूला हुआ है, इसको वेंटर बोलेंगे। ये ट्यूब लाइक है जिसको हम कैनाल बोलेंगे। इसके अंदर एक सिंगल एग सेल है, ये देखिए सिंगल एग सेल जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे गैमिट कौन सा हो गया, फीमेल गैमिट, एग कहलाएगा। लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे तो आप क्या बोलते हो कि एंथ्रोजोइड जो होते हैं वो वाटर में रिलीज कर दिए जाते हैं, आर्किगोनिया के पास में जाते हैं, आर्किगोनिया के अंदर उसके ट्यूब्स, आपका जो नेक है, ये जो नेक एरिया है, यहां से वो एंटर करेगा आपका कौन, एंथ्रोजोइड, क्योंकि मोटाइल है, फ्लैजिला है उसके पास, और आर्किगोनिया में प्रेजेंट एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा। जब फ्यूज हो जाएगा तो बनेगा क्या, जाइगोट। अब यहां पर देखो फ्लैजिलेटेड एंथ्रोजोइड मूव कर रहा है, तो इस तरह की ऊगैमी को हम क्या बोलते हैं, जूइडोगैमी बोलते हैं। तो इस तरह का इसमें होता है। जाइगोट जो है हम बोलते हैं किसी तरह का रिडक्शनल डिविजन नहीं करेगा, मियोसिस नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास स्पोरोफाइट भी होता है। मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बॉडी फॉर्म होगी, जो कैसी होती है, वो फ्री लिविंग नहीं होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है, नरिशमेंट लेती है गैमेटोफाइट से। ये देखो इनका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है, किसमें डिवाइड होता है, कैप्सूल के अंदर,
सिट्टा के अंदर एंड फुट के अंदर ये डिवाइडेड है. तो फुट सिट्टा कैप्सूल में डिवाइडेड है. कैप्सूल जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, सिट्टा ये स्टॉक होता है, ये स्टॉक है, और फुट जो है जिससे ये आपके गैमेटोफाइट से जुड़े रहते हैं, दैट इज फुट. ठीक है, तो फुट सिट्टा कैप्सूल में डिवीजन है. ब्रायोफाइट ठीक है. चलिए, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं, सभी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी. और ये डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल क्या करेंगी, मियोसिस करेंगी. मियोसिस करके क्या बनाएगी, स्पोर बनाएंगी. चूंकि यहाँ पे स्पोर मदर सेल जो है डिप्लॉयड है और ये मियोसिस करके हैप्लॉयड स्पोर बना रही है, हैप्लॉयड स्पोर बना रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे. क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस. ब्रायोफाइट में होमोस्पोरस कंडीशन होती है, सारे स्पोर एक जैसे, सेम स्पोर ही बनेंगे. ठीक है, और जब ये स्पोर को सुटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, जर्मिनेट करेंगे और फिर से क्या बना लेंगे, ये फिर से गैमेटोफाइट जो है उसको बना लेंगे, गैमेटोफाइट को बना लेंगे. ठीक है, तो स्पोर फॉर द सुटेबल सब्सट्रेट, दे जर्मिनेट डायरेक्टली इनटू थायलॉइड गैमेटोफाइट. अब देखो थायराइड सीधा ही हम बोलते हैं थायलॉइड गैमेटोफाइट बना रहे हैं तो कौन है, लीवरवर्ट. लेकिन मॉसेस के अंदर एक बीच में इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा. प्रोटोनिमा और कुछ नहीं है, एक फिलामेंट स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, मल्टी सेलुलर होती है, फ्री लिविंग होती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है. अब ये क्या करेगी, बडिंग के थ्रू, ये बडिंग के थ्रू क्या करेगी, यानी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करके ये सेकेंडरी आपका बनाएगी प्रोटोनिमा. देन सेकेंडरी प्रोटोनिमा डेवलप होगा किसके अंदर, आपके गैमेटोफाइट के अंदर. तो लाइफ साइकिल कैसा है इनके पास में, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लोंटिक. देखो गैमेटोफाइट ने गैमेट बनाए, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और स्पोरोफाइट बना. चूंकि आया एम्ब्रियो यहां पे बट, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये है हमारे फर्स्ट एम्ब्रियो फाइट, क्योंकि एम्ब्रियो बन रहा है इनके अंदर. स्पोरोफाइट में ये स्पोरिंजिया कैप्सूल, उसमें स्पोर बनेंगे और स्पोर जो है ये आपके क्या बनाएंगे, ये आपके गैमेटोफाइट को बनाएंगे. तो यहां पे इक्वली आपको दोनों हैप्लोइड एंड डिप्लोइड फेज देखने को मिल रही है, इसको हम हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल बोलेंगे. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भैया, इनको हम बोलते हैं हर्बेशियस मैमल बर्ड्स एंड जो जितने भी एनिमल्स है फूड के फॉर्म में लेते हैं. स्फेग्नम जो है, स्फेग्नम इसको हम पिट मॉस बोलते हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज आता है. स्फेग्नम जो होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसीलिए हम इसको कॉटन मॉस भी बोलते हैं, इसको हम बॉग मॉस भी बोलते हैं, इसके पास में सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी भी होती है. तो स्फेग्नम वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रायोफाइट को तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, हिपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. तो यही है, अब सबके बारे में अगर मैं बताऊंगी तो सेम कहानी है जो मैंने पहले आपको बता दी. लीवरवर्ट कैसे होते हैं, प्रोस्टेट होते हैं, थायलॉइड बॉडी है, एग्जाम्पल मार्केंशिया है. इनके अंदर बस जो स्पेशल होगा दैट इज प्रेजेंस ऑफ जैमा कप. जैमा कप क्या होते हैं, जैमा कप वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो आपकी बड होती है वो फॉर्म होती है. और जैमा कप के अंदर प्रेजेंट जो जैमा है वो न्यू प्लांट को बना सकती है. तो जैमा कप की प्रेजेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देखो इनके अंदर ये आपको क्लियर कट आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर जो है देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें स्पोरोफाइट जो होता है वो इतना क्लियर नहीं होता. तो हम क्या बोलते हैं कि इनका स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेड होता है किसके पास में, गैमेटोफाइट के ऊपर. ठीक है, अब देखो इनके जो एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो इसके एग्जाम्पल के अंदर रिक्सिया एंड मार्केंशिया आ जाएगा. लेकिन जब आप बात करते हो मॉसेस की तो मॉसेस का स्पोरोफाइट आपको ये देखो पूरा स्पष्ट रूप से नजर आता है, कैप्सूल एंड सीटा वगैरह जो है ये नजर आपको आएगा. ठीक है, तो उनके पास में हम बोलते हैं उनका जो स्पोरोफाइट होता है वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता, पार्शियली डिपेंडेंट होता है, तो पार्शियल पैरासाइट कहलाता है. वापस आ जाओ मार्केंशिया, मार्केंशिया के पास में कुछ स्पोर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेटर्स होते हैं, ये पिक्चर में आपको फिलामेंटस स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी. ये कैप्सूल को तोड़कर स्पोर को बाहर डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं, स्पोर जर्मिनेट होंगे, नया गैमेटोफाइट जो है वो बन जाएगा. मॉसेस मेन बॉडी गैमेटोफाइट, इरेक्टेड फॉर्म होती है बिल्कुल. फिर इनके पास में राइजोइड मल्टी सेलुलर है, बताने की जरूरत नहीं है. इसमें स्पायरली अरेंज आपको लीफ देखने को मिलेगी. तो स्फेग्नम का पिक्चर अगर आप देखोगे ये देखो स्पायरली अरेंज यहां पर क्या है, आपको लीफ जो है वो देखने को मिलेगी. अब इनमें आपको कैप्सूल सिट्टा पूरा स्पष्ट नजर आ रहा है बिल्कुल, तो पार्शियली डिपेंडेड है क्योंकि इनके पास में एसिमिलेटरी टिश्यूज होते हैं, एसिमिलेटरी टिश्यू जो कि स्टोर कर लेते हैं फूड जो है वो बना सकते हैं अपना. और देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन एंड ब्रीडिंग से हो रहा है, क्यों, क्योंकि इनका जब स्पोर जर्मिनेट होगा तो प्रोटोनिमा आएगा और वो प्रोटोनिमा फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू क्या बनाएंगे, फिर गैमेटोफाइट बनाएंगे. तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग के थ्रू भी हो रहा है. बाकी जानकारी हम लोगों ने पढ़ ही ली थी मोसेस के बारे में. मोसेस के अंदर एग्जांपल याद रख लो बस, फ्यूनेरिया एग्जांपल है, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम. स्फेग्नम तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये वाली तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही. ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में. फिर आ जाते हैं टेरिडोफाइट. चलो
टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट इनमें हॉस्टेल एंड फर्न्स आते हैं, ठीक है, इनमें कौन आते हैं, हॉस्टेल एंड फर्न्स आते हैं। टेरिडोफाइट जो है मेडिसिनल पर्पज से यूज में आते हैं, सॉइल बाइंडर है। ब्रायोफाइट के बाद में हम इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो इसी से बिलोंग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इवोल्यूशनरी अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले फर्स्ट ऐसे टेरिस्ट्रियल प्लांट है जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखे गए, यानी जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास में है। तो हम इनको क्या बोलते हैं, इनको हम ट्रू टेरिस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। हम इनको फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट आप बोल देते हो, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है ये, बिल्कुल वेस्कुलर प्लांट है। और इनको हम स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, क्योंकि इनके पास में मोर अडेप्टेशन है टेरिस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के लिए। टेरिडोफाइट जो होते हैं ये कूल डैम्प एंड शेडी प्लेस में रहना पसंद करते हैं। इंपॉर्टेंट है कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस में, जहां पर भी आपको मॉइस्चर देखने को मिलेगा वहां पे ज्यादा फ्लोरिश होंगे। तो आप जब भी जाएंगे ऐसे एरियाज में, हिली एरियाज में, वहां टेरिडोफाइट आपको खूब देखने को मिलेंगे। मेन बॉडी इनका क्या है, इनका मेन बॉडी जो है वो गैमिटोफाइट है। इनका मेन बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट। तो ब्रायोफाइट का मेन बॉडी क्या था, गैमिटोफाइट। टेरिडोफाइट का जो है, सॉरी, टेरिडोफाइट का जो मेन बॉडी है दैट इज नॉट गैमिटोफाइट। इनका मेन बॉडी जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है भैया, स्पोरोफाइट। ये गलत है, ये गलत है भाई, गलत है। इनका मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है। तो हमने पढ़ा एल्गी का मेन बॉडी गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट का मेन बॉडी गैमेटोफाइट, बट यहाँ पे जो आपके टेरिडोफाइट है इनका मेन बॉडी स्पोरोफाइट होता है, बट इनका गैमेटोफाइट भी फ्री लिविंग होता है। जैसा हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा ब्रायोफाइट के अंदर कि उनका स्पोरोफाइट जो था वो क्या था, डिपेंडेंट था। इनका स्पोरोफाइट फ्री लिविंग हो गया, बट इनका गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में फ्री लिविंग स्टेट में रहता है, जिसको हम थैलो क्या बोलते हैं उसको हम, बिल्कुल वेरी गुड, क्या बात है। बिल्कुल बच्चा, लाइक तो करना बनता है। एक्चुअल में जैसे ही फैन थोड़ा तेज होगा तुम लोगों को साउंड आने लगेगा, चलिए, इस वजह से तो गर्मी तो है बिल्कुल। हाँ चलिए बताएंगे, टेरिडोफाइट जो है हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर डिवाइडेड होता है। इसके अंदर हमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ जो रूट प्रेजेंट होती है वो रूट है एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्पोरोफाइट रूट स्टेम एंड लीफ में डिवाइडेड है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी का मेन बॉडी क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा। टेरिडोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट जो है वो फ्री लिविंग स्टेट में है, जबकि जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में उनका गैमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। तो रूट स्टेम एंड लीफ ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके हैं, ये स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर है। रूट एडवेंटिशियस है टेरिडोफाइट में, जब आप पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म वहां पे टैप रूट आ जाएगा, और जब आप पढ़ेंगे कौन सा आपका एंजियोस्पर्म, वहां टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट दोनों ही होगी। एडवेंटिशियस रूट वो रूट होती है जो रेडिकल के अलावा कहीं से भी डेवलप हो सकती है। वेल डिफरेंशिएटेड इनके पास में वैस्कुलर टिश्यू है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। स्टेम अगर देखोगे तो उसमें एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड स्टील नजर आएगा। एपिडर्मिस आउटर लेयरिंग, कॉर्टेक्स इनका ग्राउंड टिश्यू जो भी इनका ये एरिया है, और स्टीलर सिस्टम जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम है। तो हमने बोल दिया ये फ्लोएम, और ये अंदर हमने बोल दिया जाइलम, और ये बोल दिया हमने कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये बाहर की हो गई एपिडर्मिस। तो इनके स्टेम में ये सारी स्ट्रक्चर हमें नजर आ रही है। चलिए फिर देखिए, इनके अंदर लीफ जो है वो दो तरह की हो सकती है। लीफ दो तरह की मैं बोल रही हूं, मैं यहाँ पे स्पोरोफिल के बारे में बात नहीं कर रही हूं, मैं इनकी वेजिटेटिव लीफ के बारे में बोल रही हूँ। इनकी लीफ जो होती है स्मॉल साइज की हो सकती है, तो वो लीफ माइक्रोफिलस कहलाएंगी, और अगर लीफ जो है वो लार्ज साइज की है तो मैक्रोफिलस कहलाएंगी। वेजिटेटिव लीफ के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रोफिलस आपको नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएगी सिलेजिनेला के अंदर, सिलेजिनेला, ठीक है, याद रखेंगे। और इससे पहले ब्रायोफाइट में जो पढ़ा था दैट इज स्फेग्नम, कंफ्यूज मत होना, स्फेग्नम है वो, ये सिलेजिनेला है। लार्ज साइज की जो होती है वो फर्न्स के अंदर देखने को मिलती है। आपके घर के अंदर अगर आपने कभी फर्न्स लाके लगाए होंगे, ऑर्नामेंटल होते हैं ये, तो उनकी देखना लीफ बहुत बड़ी होती है फिर, ठीक है, बिल्कुल। बट यहां पे कुछ ऐसी लीफ होती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी होती है। स्पोरेंजिया वो जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। अब बोलोगे ये कहां से कहानी आई, तो मेन बॉडी स्पोरोफाइट है तो इसमें तो स्पोर ही बनेंगे। अब यहां कैप्सूल वर्ड यूज नहीं करके हमने क्या वर्ड यूज कर लिया, स्पोरेंजिया वर्ड यूज कर लिया, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगी होती है उसको स्पोरोफिल बोलते हैं। इस पिक्चर के अंदर देखो ये पत्ती जो है ये क्या है, ये स्पोरोफिल है, और इसके ऊपर स्पोरेंजिया जो है ये लगी हुई है, जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। अब देखो हमने क्या बोला, ये स्पोरोफिल जो होती है कभी कभी किसी किसी के अंदर आपको कॉम्पैक्टली अरेंज देखने को मिल सकती है, जिसको हम स्ट्रोबिलस या फिर कोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रोबिलस एंड कोन सारे टेरिडोफाइट के अंदर नहीं पाए जाते, कुछ में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने
करने हैं सिलेजिनेला और ये इक्विसिटम। इक्विसिटम आपके सामने है, इसके स्टेम में आपको नोड व इंटरनोड भी नजर आ रहे हैं। नोड से देखो पत्तियां निकल रही हैं यहाँ पे, और देखो ये स्ट्रोबिलस इसके अंदर प्रेजेंट है, और राइजोइड्स ये देखो इसके थ्रू जो है ये अपने सबस्ट्रेट यानी सॉइल के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, तो सिलेजिनेला इक्विसिटम इनमें कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल होती है जिसको आप स्ट्रोबिलस या फिर कोन कहते हैं। स्पोरेंजिया ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर कौन होगी, स्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है आफ्टर मियोसिस स्पोर बनाएगी। ठीक है, क्लियर, यस। फिर देखो इनमें जो स्पोर है ये जर्मिनेट होंगे इसकी वजह से इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है, छोटा साइज में मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग यहाँ पे एक थैलॉइड जो है गैमेटोफाइट बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। ये गैमेटोफाइट भी कूल शेडी प्लेसेस के अंदर ही रहेगा, लेकिन इसके ऊपर लगेंगे कौन, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेटोफाइट इन्वॉल्व रहता है। तो वहां पे ये क्या बनाएंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बनाएंगे, एंड देन उनके बीच में फ्यूजन होगा, जायगोट बनेगा, और जायगोट से फिर क्या होगा, आपका स्पोरोफाइट बनेगा। ठीक है, बट इनको क्या होती है, रिक्वायरमेंट रहती है, ये जो मैटिंग होती है मेल एंड फीमेल गैमेट की, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, इसीलिए हम इनको स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनको इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि वाटर के रिक्वायरमेंट है, तो लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया पे ये रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, जहां पानी मिलेगा वहां पे ये होंगे। क्लियर है ये चीज, ये देखो गैमेटोफाइट प्रोथेलस, क्योंकि रूट स्टेम लीफ के अंदर तो डिवाइडेड नहीं है, इनमें राइजोइड्स होते हैं जिसके थ्रू ये सब आपके सॉइल में चिपके रहेंगे, इन पे लगे होंगे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। ठीक है, अब मैंने बोला एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया किस केस में बोला, मैंने एक ही प्लांट पे बना दिया, तो यहां पर क्या होते हैं, जो स्पोर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्पोर दो तरह के होते हैं, एक तो आपके हो सकते हैं, देखो दो तरह के प्लांट है, प्लांट दो तरह के बोल रहे हैं, एक प्लांट वो है जिनमें सारे स्पोर एक जैसे बनते हैं तो उनको हम बोलेंगे होमोस्पोरस, और एक ऐसे प्लांट होते हैं जिसके अंदर स्पोर दो तरह के बनेंगे उनको हम बोलेंगे हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस जिसके अंदर हम बोल रहे हैं क्या है, दो तरह के माइक्रो और मेगा स्पोर बन रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेगास्पोर जब जर्मिनेट होगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, तो उस केस में तो हमारे पास में दो गैमेटोफाइट आ रहे हैं, लेकिन जब केस है होमोस्पोरस की तब एक ही यहां पे प्रोथैलिस बनेगा जिसपे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया लगे होंगे, जैसा कि ये कौन सी कंडीशन है, ये मोनोशियस कंडीशन है, लेकिन किसकी वजह से डेवलप हुई है, ये होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की वजह से डेवलप हुई है, याद रखेंगे। अब देखो एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड बनेंगे और एंथ्रोजोइड मेल गैमेट है, और आपके आर्किगोनिया में एग होंगे, एंथ्रोजोइड को आर्किगोनिया के मुंह पे छोड़ दिया जाएगा, देन एंथ्रोजोइड जो है वो अंदर मूव करेंगे और वहां पे फ्यूजन करेंगे, जायगोट बन जाएगा, ये जायगोट बन गया, याद रखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वेल डेवलप स्पोरोफाइट जो है वो यहाँ पे डोमिनेंट है, जो जायगोट से फॉर्म होगा, लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई। अब इंपॉर्टेंट चीजें टेरिडोफाइट से रिलेटेड क्या क्या आती है उसके बारे में ध्यान रख लो। होमोस्पोरस कंडीशन किसमें प्रेजेंट है, तो ड्रायोप्टेरिस एंड लाइकोपोडियम, ये होमोस्पोरस है। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया ये हिट्रोस्पोरस होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। ये पिक्चर में सिलेजिनेला है, ये बड़ी बड़ी पत्तियां जिसमें है वो साल्विनिया है, तो मैक्रोफिल का अगर एग्जाम्पल पूछे तो साल्विनिया एग्जाम्पल दे सकते हो, माइक्रोफिल का पूछे तो सिलेजिनेला दे सकते हो, लेकिन दोनों कैसे हैं, हिट्रोस्पोरस हैं, ये भी याद रखना। सिलेजिनेला में कौन प्रेजेंट होते हैं, ये याद रखना, सिलेजिनेला में कौन प्रेजेंट होते हैं, ड्रायोप्टेरिस लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम में भी कौन प्रेजेंट होते हैं, बट ये होमोस्पोरस हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहली बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पे आता है वो इवोल्यूशनरी पर्पस से आता है, किसके बारे में, सीड हैबिट के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले सीड हैबिट के इवेंट टेरिडोफाइट में देखे गए, क्योंकि हिट्रोस्पोरस कंडीशन थी। जब हिट्रोस्पोरस कंडीशन हुई तो क्या देखा कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो थोड़ी देर के लिए आपके स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या देखते हो, हिट्रोस्पोरस कंडीशन, ये अपने आप में सीड हैबिट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट यहां पे सीड डेवलप नहीं हुए, क्यों, क्योंकि यहां पर कोई, हम बोलते हैं जो आपका जो स्पोरेंजिया है उस स्पोरेंजिया के ऊपर हमें कोई कवरिंग नजर नहीं आई, कोई इंटेग्यूमेंट नजर नहीं आया। जब इंटेग्यूमेंट नजर नहीं आया तो हमने बोला सीड तो नहीं बन सकता, क्योंकि सीड जो होता है उस पर सीड कोट होता है, इंटेग्यूमेंट नहीं है तो सीड कोट कैसे बनेगा, तो सीड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहां पर इनके पास में प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेग्यूमेंट जो है वो नहीं है मेगा स्पोरेंजिया पे। ठीक है, वो नहीं है, हिट्रोस्पोरस कंडीशन है बट वो नहीं है, इस वजह से सीड नहीं बने। ठीक है, बट यस फर्स्ट इवेंट हमने यही हिट्रोस्पोरस के अंदर देखा। एग्जांपल कौन कौन से हैं, लाइकोप्सिडा के अंदर साइलोटम, सॉरी लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला, लाइकोपोडिया, साइलोप्सिडा के अंदर साइलोटम, स्फिग्नोप्सिडा का इक्विसिटम, टेरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। एडिएंटम को हम वॉकिंग फंड भी कहते हैं। चलिए, ये लाइफ साइकिल है टेरिडोफाइट का,
चलिए देख लेंगे। स्पोरोफाइट स्पोरोफिल लगी होंगी उस पे, स्पोरोफिल पे स्पोरिंजिया लगे होंगे, स्पोरिंजिया में स्पोर मदर सेल है, मियोसिस होगा तो स्पोर बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट होंगे तो गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट पे आर्किगोनिया एंड एंथ्रीडिया लगे होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिनमें फीमेल एंड मेल गैमेट बनेंगे। फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, वेल डिस्टिंक्ट यहाँ पे हैप्लोइड एंड डिप्लोइड फेज देख पाते हो जाइगोट से। देखो जाइगोट से ये पूरा आपका स्पोर मदर सेल तक, ये डिप्लॉयड है यहाँ पे पूरा, और ये इधर वाला जितना भी है ये हैप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड आपको इक्वल फेजेस देखने को मिल रही है। तो टेरिडोफाइट के अंदर कैसा लाइफ साइकिल है, हैप्लोइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। चलो जिम्नोस्पर्म वेरी इंपॉर्टेंट, इनको हम स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, नेकेड सीड पाए जाते हैं क्योंकि ओव्यूल जो है दैट इज नॉट एनक्लोज्ड बाय द ओवरी, इसलिए फ्रूट नहीं बनेंगे इनमें। फिर देखो जिम्नोस्पर्म मीडियम साइज से लेकर टॉल ट्री भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। रेड वुड ट्री सेकोआ, इसकी हाइट जो होती है 150 मीटर तक की होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत बड़े जियांट फॉर्म में बहुत बड़े साइज में होते हैं, लार्ज साइज के अंदर लॉन्ग इनके हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें लिविंग फॉसिल है आपका गिंगो, लिविंग फॉसिल केवल एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है राइट, जो जीवित है, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जिम्नोस्पर्म को हम एम्ब्रियोफाइट बोल रहे हैं, एम्ब्रियोफाइट तो आपके ब्रायोफाइट के बाद में सारे ही कहलाएंगे। ये ट्रेकियोफाइट भी है, क्यों, क्योंकि इनके पास में वैस्कुलर सिस्टम है। आर्किगोनिएट भी है क्योंकि इनके पास में आर्किगोनिया है। और फिनेरोगैमस है क्योंकि छिप, यहां पे शादी जो है वो कैसी है, वो विजिबल मैरिज हो रही है, सीड इनमें लग रहे हैं। रूट कैसी है, टैप रूट होती है। कुछ के अंदर हमें फंगल एसोसिएशन यानी माइकोराइजा देखने को मिलता है, एग्जाम्पल कौन है, पाइनस। पाइनस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाय का, जो कि उनकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं होंगे इनके, और इनके अंदर ग्रोथ जो है वो स्टंट आपको देखने को मिलेगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। साइकस के अंदर भी स्पेशल रूट होती है, कोरेलॉइड रूट जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर नोस्टोक एंड एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। साइकस अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच जो होते हैं वो पाइनस एंड सिड्रस है, याद रखेंगे। ब्रांचिंग आपको सिड्रस एंड पाइनस में देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है। साइकस के अंदर पिनेट लीव होती है, पिनेट लीव का मतलब क्या हो गया, ये देखो सिंपल लीफ है जिसके अंदर क्या होता है, स्टेम से डायरेक्ट लीफ लगी रहती है। कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, एक और ब्रांचिंग, स्टेम पे एक और ब्रांचिंग आपको देखने को मिलती है जिसको रेकीज कहते हैं, और इस पे आपको लीफलेट नजर आती है, लीफलेट, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड लीफ। बट यहां पे कंपाउंड लीफ भी कैसी है, पिनेटली कंपाउंड, जब इंसीजर जो होते हैं वो मिडरिप तक पहुंचते हैं, इनके इंसीजर मिडरिप तक पहुंचे तब यहाँ पे ये लीफ जो है उनका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होती है इनके पास में, सब समझाया हुआ है आप लोगों को। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए इनके पास में कई तरह के अडेप्टेशन है, क्या है वो अडेप्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कॉनिफर्स में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नीडल लाइक लीफ पाई जाती है ताकि ट्रांसपीरेशन जो है वो रिड्यूस हो, कम हो, सरफेस एरिया कम करने के लिए। थिक क्यूटिकल होती है, इनकी पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है ताकि वही इवोपरेशन जो वाटर का हो रहा है वो ना हो, नहीं हो, तो इनके एपिडर्मिस के ऊपर आपको ये क्यूटिकल की लाइन जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। सनकेन स्टोमेटा होते हैं, गर्त में धसे हुए स्टोमेटा होते हैं इवोपरेशन को रोकने के लिए। तो कॉनिफर्स में एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए इनमें क्या होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं। वेस्कुलर बंडल है, बिल्कुल है, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल है, ओपन है, मतलब ये देखो कैम्बियम इनके अंदर प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम जो है एक ही रेडियस पे होते हैं, एक ही रेडियस पे अगर होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, एक साथ एक ही रेडियस पे हैं तो इसको हम बोलते हैं, अगर इस तरह के मैं वेस्कुलर बंडल बना दूं तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप के बोल दूंगी, ओपन है क्योंकि कैम्बियम है। जिम्नोस्पर्म सारे के सारे हिट्रोस्पोरस होते हैं, दो तरह के स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर, ठीक है। अब यहां पे ये जो आपके स्पोर हैं ये क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, बिल्कुल जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होके किसको बनाएंगे, गैमेटोफाइट को बनाएंगे, बट इनका गैमेटोफाइट पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइट के ऊपर, बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ इनके स्टेम एंड रूट के अंदर पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनके अंदर स्पोरोफिल जो होती है कॉम्पैक्ट हो जाती है, कोन बनाती है, स्ट्रोबिलस कोन इनके अंदर पाए जाते हैं, याद रखेंगे। स्ट्रोबिलस जो है यही बने किसके होते हैं, छोटा कौन, मेल कौन, माइक्रोस्पोरोफिल का बना होगा, बड़ा कौन, मेगा कौन जो होगा वो मेगा स्पोरोफिल का बना होगा, जिसको फीमेल कौन बोलोगे, तो कोई टेंशन नहीं है।
पॉलन ग्रेन, इनके अंदर जो है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन किसको बोलते हैं, मेल गैमिटोफाइट को बोलते हैं। माइक्रोस्पोर जब क्या बनेंगे, डेवलप हो जाएंगे तो पॉलन ग्रेन बनाएंगे, और ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं, इसी को हमने मेल गैमिटोफाइट बोल दिया। फिर ये क्या करेगा, जर्मिनेट होगा, पॉलिनेशन होगा, जिसकी वजह से ये फीमेल गैमिटोफाइट के पास पहुंचेंगे, एंड देन क्या होगा, देन फ्यूजन होकर, फर्टिलाइजेशन होकर आपका जाइगोट बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। मेगास्पोरोफिल जो होते हैं ये, इसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ओव्यूल किसको बोलते हैं, हम इंटेग्यूमेंटेड मेगा स्पोरेंजिया को हम ओव्यूल बोलते हैं। मैंने बोला ना, क्योंकि अब इनमें सीड बन रहा है तो इसके पास क्या आ गया, इंटेग्यूमेंट आ गया। टेरिडोफाइट के पास इंटेग्यूमेंट नहीं था, हर एक चीज आपको बताई गई है पहले, ठीक है। और ये फीमेल फ्लावर जो होता है आपका एंजियोस्पर्म का, उससे रिलेटेड है। चलिए, मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न जो है वो एक ही प्लांट पे पाए जाएंगे, तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, मोनोशियस, जो पाइनस में होती है, और अलग अलग प्लांट पे पाए जाएंगे तो उसको कहेंगे डायोशियस, जो साइकस के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट है ये भाई, ठीक है। ओव्यूल किसको बोल रहे हैं, ओव्यूल इनके मेगा स्पोरेंजिया जो होती है इंटेग्यूमेंटेड, उसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, न्यूसिलस। तो भैया पिक्चर यहाँ पे अगर हम बना दें, ये लीजिए, अगर ऐसा पिक्चर मैं बनाऊँ, ये लीजिए, तो यहाँ पे ये इंटेग्यूमेंट्स हो गई, इंटेग्यूमेंट्स, और इनके अंदर ये बीच की जो सेल है, जो इनकी बॉडी बना रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये है न्यूसीलस, ठीक है। बहुत ही घटिया सा डायग्राम बनाया बस बताने के लिए। और ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, क्लियर है। जाइगोट यहां पे बनेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा, लेकिन चूंकि ओव्यूल के चारों तरफ कोई ओवरी नहीं है तो फ्रूट तो यहां पे नहीं बनेगा, तो फ्रूट जो होते वो नहीं बनते हैं इनके अंदर, क्लियर है। पॉलिनेशन डायरेक्ट होगा इनमें, एनिमोफिलस होगा, विंड के थ्रू होता है, ठीक है, किसी भी तरह के पॉलिनेटर को यूज नहीं कर रहे, जैसे एंजियोस्पर्म के अंदर होता है। फिर यही पोलन ट्यूब भी बनाएंगे, और अपना क्या कर देंगे, पोलन ट्यूब बनाकर अपना जो गैमेट है उसको ट्रांसफर कर देंगे फीमेल गैमेट के पास में, क्लियर है, ओव्यूल के अंदर। तो भैया यही कहानी है इनकी। इनमें एग्जांपल कौन है, साइकस है, पाइनस है, और निट्टम है, ये एग्जांपल है इनके, तीन इनकी क्लासेस हैं। साइकोप्सिडा साइकस के लिए, कॉनिफेरोप्सिडा पाइनस आता है, निटोप्सिडा में निट्टम आता है। गिंगो तो क्या है, गिंगो तो आपका एक्सटिंक्ट हो गया है, एक्सटिंक्ट मतलब उसके सारे मेंबर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक अकेला है गिंगो बाइलोबा। और देखो इनका लाइफ साइकिल अगर आप देखोगे जिम्नोस्पर्म का, तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, इसके अंदर डिप्लोंटिक फेज ही आपको ज्यादा नजर आ रही है, नजर आ रही है कि नहीं। ये देखो आपके मेल कौन, फिर माइक्रोस्पोरोफिल से बने हैं ये कौन, और मेगास्पोरोफिल से बने हैं, इनमें माइक्रोस्पोरेंजिया मेगास्पोरेंजिया लगी है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाएगी, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके मेगास्पोर को बनाएगी, इससे बनेगा माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों ही आपके अभी किसके ऊपर, एस्पोरोफाइट पे डिपेंडेड है। पॉलिनेशन हो जाएगा तो मेल जो आपका गैमेटोफाइट है, यानी कि आपका जो पोलन ग्रेन है, ये कहां पहुंचेगा, आपके फीमेल गैमेटोफाइट पे। फीमेल गैमेटोफाइट को यहां हम क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया ही बोल रहे हैं अभी तक। तो मेल गैमेट एंड एग जो है वो आपस में आ जाएंगे, पॉलिनेशन की वजह से साथ साथ आ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो जब बन जाएगा तो ओव्यूल जो है वो डेवलप हो जाएगा सीड के अंदर, सीड जो है वो जर्मिनेट होंगे तो वापस से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। यहां किसी तरह का फ्रूट फॉर्मेशन आप नहीं देखेंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट था ये इतना, वेरी गुड। ओके, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट है, इनके बारे में कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, तो दो चैप्टर आपके एनाटॉमी और इसी के साथ में आपका मोर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होने के बाद में, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होने के बाद में हम एंजियोस्पर्म के ये दोनों चैप्टर ही करेंगे, ताकि एंजियोस्पर्म आपका पूरी तरीके से हो सके, ठीक है। एंजियोस्पर्म के बारे में जानने के लिए बहुत सारे हैं, क्योंकि मोस्ट डोमिनेंट अगर कोई प्लांट स्पीशीज अगर है तो वो सारे एंजियोस्पर्म ही होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट है क्योंकि इनमें फ्लावर लगते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्लावर क्या है, इनके अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यही जो फ्लावर होता है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये पपीता आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर से ही डेवलप हुआ है। ये आपका एप्पल है, ये भी क्या है, फ्रूट है, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। तो इनके सीड जो है वो फ्रूट के अंदर है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनके पास में हम जो सीड बोलते हैं वो कैसे हैं, वो फ्रूट बने, तो नेकेड सीड नहीं है इनके पास में, एनक्लोज्ड सीड है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, ठीक है। अब देखो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये एम्ब्रियोफाइट है क्योंकि एम्ब्रियो बन रहा है। नॉन आर्किगोनियट्स है, ये देखो पहली बार यहां पे आर्किगोनिया वर्ड यूज नहीं होगा, किसके लिए, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए। यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए, यहाँ एम्ब्रियो सैक जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है, वेस्कुलर है, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, फ्रूट बियरिंग है बिल्कुल, क्योंकि फ्लावर है तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पर्मेटोफाइट है, सीड बनेंगे और विजिबल इनके अंदर मैरिज होती है, इसीलिए हम इनको फिनेरोगैमस कहते हैं। चलिए साइज देखो, बहुत छोटा यानी टीनी साइज वॉल्फिया, ये देखो अंगुलियों में ही आ गया है, और लार्ज साइज सफेदे का पेड़ यूकलिप्टस, 100 मीटर तक की इनकी हाइट होती है, तो इतना साइज में होता है। एंजियोस्पर्म आपको हर एनवायरमेंट में देखने को मिलेगा, वाइड रेंज में ये प्रेजेंट होता है, हैबिटेट हर तरह के ये शेयर करते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। रूट इनके अंदर टैप रूट और एडवेंटिशियस हो सकती है, टैप रूट रेडिकल से निकलेगी, एडवेंटिशियस रूट किसी भी पार्ट से निकल जाएगी, ठीक है। जाइलम के अंदर वेसल्स भी हैं और फ्लोएम के पास कंपानियन सेल्स भी हैं, जो कि अब्सेंट होती है जिम्नोस्पर्म के अंदर, ठीक है। फिर देखो इनके अंदर अगर हम इनके फ्लावर देखें तो मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ये इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये है एंथर, ठीक है, और ये है फिलामेंट, ठीक है, इसी को हमने क्या बोला है, स्टैमन बोला है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ये। और आप देखो अगर हम बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल में हम क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको हम गाइनोशियम बोलते हैं, ये पिस्टल है जिसके अंदर फूला हुआ हिस्सा ओवरी कहलाता है, जिसके अंदर ओव्यूल लगे होते हैं, ये स्टाइल है, स्टाइल जो होता है वो स्टिग्मा को जोड़ता है ओवरी के साथ में, एंड स्टिग्मा वो प्लेटफॉर्म है जहां पर पोलन ग्रेन आकर गिरेंगे, ये पोलन ग्रेन यहां पर आकर गिरेंगे, ये वो स्ट्रक्चर है। तो इनके पास में ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आपको फ्लावर में देखने को मिलती है, ठीक है। इनका मेन बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट इसमें भी क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। पोलन ग्रेन कहां रहते, पोलन ग्रेन एंथर के अंदर रहेंगे, और आपका जो एग है, जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो आपका ओव्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होती है। ये सारी कहानी आपको पहले पढ़ाया हुआ है, समझाया हुआ है। ओव्यूल अगर आप देखोगे, इसी को ओव्यूल अगर आप देखोगे, तो ओव्यूल किसको बोला है, अपने मेगास्पोरेंजिया को ओव्यूल बोला है। इसके पास में क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है, ये देखो इंटेग्यूमेंट है। फिर देखो यहां पर मियोसिस की वजह से मेगास्पोर बनते हैं, कितने, 4 मेगास्पोर बनते हैं, पर 4 में से एक ही मेगास्पोर क्या करता है, फिर से माइटोटिक डिवीजन करता है, और फिर क्या करता है, आपकी 7 celled 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाता है। 7 सेल में से, 7 जो सेल है उसमें से 3 सेल जो होती है वो एग एपरेटस बनाती है। यहां पे देखो एग एपरेटस है ये, जिसमें एक एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स आती हैं। फिर देखो 3 यहां पे एंटीपोडल सेल है जो चलाजा साइड के अंदर होती है, और 2 यहां पर पोलर न्यूक्लियाई हैं जो एक सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस देखोगे तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस है, पर सेल कितनी है आपके पास में, 3 आपके एग एपरेटस की सेल है, 3 एंटीपोडल सेल है, और 1 आपके पास में सेंट्रल सेल है। तो इसको हम बोलते हैं 7 celled 8 nucleus कंडीशन, हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस कंडीशन होती है, ठीक है। तो भाई कहानी यही है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे, इनके अंदर अगर हम बात करेंगे, तो इनके पास में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये आपको मैंने बताया। लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन के लिए पहले पॉलिनेशन होना पड़ेगा, पोलन ग्रेन को पहुंचना पड़ेगा किसके पास में, स्टिग्मा के पास में। तो देखो विंड के थ्रू जाएंगे तो ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। वाटर के थ्रू जाएंगे तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस। और अगर किसी भी बायोटिक एजेंट के थ्रू जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे जूफोलस, ठीक है। तो इनका पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंचना बहुत जरूरी होता है। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे पहुंचेंगे तब जर्मिनेट करेंगे, बिल्कुल सबसे पहला काम ये होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन का मतलब ये हो गया कि वो पोलन ट्यूब जो है उसको बनाएंगे, ये पोलन ट्यूब उन्होंने बना दी, पोलन ट्यूब उन्होंने बना दी, तो जर्मिनेशन हुआ। कहां होगा, स्टिग्मा पे होगा, जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाएंगे। पोलन ट्यूब जो है ये एंटर करेगी किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो ये जो इनका ओव्यूल है, अगर मैं इसको बनाऊं ओव्यूल, तो इस ओव्यूल के अंदर ये पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करेगी। जब एंटर कर जाएगी तो इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक, जहां पे 3 आपकी एग एपरेटस सेल है, 3 आपकी एंटीपोडल सेल है, 2 आपके पास में यहां पे पोलन न्यूक्लियाई है जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, ये पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट को डिस्चार्ज करेगा। यहां 2 मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं, एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज होता है, इसको हम सिनगैमी कहते हैं, और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है, इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि यहां पे मेल गैमेट के पास में हैप्लॉइड सेट था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, तो कितनी प्लॉइडी डेवलप होगी, 3 यहां पे हम बोलते हैं क्रोमोसोम के सेट हो गए हमारे पास में, तो ट्रिप्लॉइड हम इसको बोलेंगे। तो इस वजह से यहां पे इसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन बोला, 3 न्यूक्लियस यहां फ्यूज हुए, सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियस के फ्यूजन से बना है, और मेल गैमेट यहां पे फ्यूज हुआ, तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए, तो ट्रिपल फ्यूजन बोला। तो यहां पर एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होता है। ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्ट क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन। तो
ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा क्या, एंडोस्पर्म बनेगा आपका, और सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो जो है उससे नया प्लांट यानी कि स्पोरोफाइट बनेगा। लेकिन ये जितनी भी स्ट्रक्चर है यानी कि ये जो आपका जाइगोट है या फिर आपका एम्ब्रियो है या फिर ये एंडोस्पर्म है, ये सभी किस में प्रेजेंट होते हैं, सीड में। सीड कौन है, आपका जो ओव्यूल है वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड के अंदर डेवलप हो गया। सीड कॉट किसने बनाया, ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट थे वो इंटेग्यूमेंट सीड कोट के अंदर यहां पर डेवलप हो गए, और यहां पे जो ओवरी थी ये ओवरी जो है वो डेवलप हो गई किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। लेकिन सभी के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, सभी के अंदर जो एडिबल पार्ट होता है दैट इज नॉट ओवरी, है ना। कई बार थैलेमस भी होता है जैसे कि एप्पल के अंदर, तो फिर हम उनको फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। लेकिन ये कहानी हम पढ़ेंगे कहां पे, हमारी मोर्फोलॉजी के अंदर। तो यहां पर आपको फ्रूट फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगा, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये कहानी। तो ये सारी कहानी जो हमने लिखी है ये हमने आपको बता दी है। इसकी दो क्लासेस हैं, एक है मोनोकोटिलेडनी, दूसरी है डाइकोटिलेडनी। लाइफ साइकिल वही, आप अगर आप देखोगे तो मेन इसमें आपको डिप्लॉयड फेज देखने को मिलेगी। तो ये कैसी लाइफ साइकिल होगी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसा आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा वैसे ही है, ये इनका मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, ये इनका क्या है आपका गाइनोशियम, ये है इनका एंड्रोशियम। एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन, ये देखिए यहां पर पॉलन ग्रेन जो है वो फॉर्म हो गए, और यहां पर प्रेजेंट है ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल से क्या बनेगा आपका, फीमेल गैमेटोफाइट, ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। पर पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा, एग के साथ फर्टिलाइज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा और एम्ब्रियो जो है न्यू स्पोरोफाइट को बना देगा। तो ज्यादातर यहां पर डोमिनेंट स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी वो सारी कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो लाइफ साइकिल कैसा है इनके पास में, इनका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। फटाफट से एक बार देख लो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें पाया जाता है, वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, इन सब में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसके अंदर है, डिप्लॉन्टिक, तो आप देखो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट होता है आपके अंदर, अगर आप बात करोगे किसकी, एंजियोस्पर्म के बारे में बात करोगे, आपके अपने खुद के बारे में बात करोगे, फ्यूकस के बारे में बात करोगे। एग्जांपल देख लो, जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर है, एंजियोस्पर्म के अंदर है, और आपका जो फ्यूकस होता है फ्यूकस के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉट डिप्लॉन्टिक किसके पास में, हैप्लॉट डिप्लॉन्टिक आपका ये लाइफ साइकिल होता है एक्टोकार्पस, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया इनके पास में है, आप ये बात कर सकते हो। इसके अलावा आपके जो ब्रायोफाइट्स हैं, आपके जो टाइडोफाइट्स हैं, इन सभी में हैप्लॉट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। तो भैया यही कहानी है बस, इनकी लाइफ साइकिल हमने आपको साथ साथ में ही बता दी थी। चलिए वेरी गुड, तो भाई आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही बस। हमने पूरा चैप्टर जो है एनसीईआरटी लेवल का वो पूरा रीड कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। तो कहानी भैया इतनी ही है इसकी, प्लांट किंगडम की, जो हमने पूरी रिवाइज कर लिया है। आपको इतना ही पढ़ना है जो मैम ने बोला है, और इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे इस पूरे पोर्शन से। तो प्रैक्टिस पेपर जो है वो अब हम करेंगे कब, अब हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे आपका वेडनेसडे को प्लांट किंगडम का। तो जो भी मैंने बोला है उसको रिवाइज कर लो, यहां से इतने क्वेश्चन ही आएंगे। क्रिस्टल क्लियर है अनुष्का, वेरी गुड। मैंने सिर्फ यहां पर रिविजन करवाया है, ये याद रखना, मैंने हर चीज को सिर्फ बोला है। अगर आपको पूरा डिटेल में हर एक छोटी से छोटी चीज समझनी है तो क्या करना होगा, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे प्लांट किंगडम का चैप्टर हमने करवाया है कुछ 5 से 6 दिनों में, और उसको जाके पूरा अच्छे से पढ़ लो। 1 आवर के अंदर आप सिर्फ एक बार रिवीजन कर सकते हो, और ऐसा ही रिवीजन आपको भी करना है। देखो 1 घंटे में अगर आपने चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, अगर अब आप सेकंड टाइम रिवीजन के लिए जाओगे तो आपको आधा घंटा ही लगेगा, आप फटाफट से उसको पढ़ सकते हो। फिर अगर अगली बार रिवीजन पे जाओगे तो आपको 15 मिनट ही लगेंगे, मात्र 15 मिनट, ओनली 15 मिनट में आप रिवीजन कर लोगे। तो ऐसा होता है रिवीजन, ऐसे रिवीजन आपको हेल्प करता है। तो चीजों को पहले एक बार डिटेल में पढ़ो, फिर उसका ड्यूरेशन कम करके पढ़ो, फिर उसका और ड्यूरेशन कम करके पढ़ो, साथ साथ में प्रैक्टिस पेपर करते जाओ। तो प्रैक्टिस पेपर हम करेंगे कब, वेडनेसडे को। तो जो कोई स्टूडेंट पूजा मैम के साथ में बना हुआ है, ये याद रखना, हमारे एंड ऑफ द ईयर जब हमारा साल खत्म होगा अक्टूबर नवंबर, आपको आपका 11th इतने अच्छे और बेहतरीन ढंग से तैयार होगा कि आपको नीट क्लियर करने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है यहाँ पे दिशा बैच में और स्पेशल क्लास में। स्पेशल क्लासेस का लिंक जो है वहां जाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक दिया होगा, ऐप पे जाओ, फ्री क्लासेस है, वहां पे जाके ज्वाइन करो, एमसीक्यूज करो भर भर के मेरे साथ में, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना चैप्टर और क्लियर होगा। लाइक शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिखोगे, और भैया बच्चों के साथ में शेयर करो। ऐसी इतनी शानदार उमदा क्लासेस हो रही है, वेस्ट स्ट्रेटेजी प्लान के साथ पढ़ रहे हैं, फालतू की बकवास हम बिल्कुल नहीं करते हैं, फालतू की बकवास करके टाइम वेस्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मेरा हर एक सेशन ऐसा ही होता है जो आपके लिए कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। हर सेशन 1 घंटा अगर हम 1 दिन का दे रहे हैं तो वो आपके लिए काम आना चाहिए, केवल फालतू का टाइम पास नहीं, ठीक है। चलिए चलिए एवरीबडी, हाँ
बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, कल हम मिलेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के आगे के लेसन के लिए, ठीक है? अगला लेसन जो है हम लोग लेंगे, उसका पढ़ेंगे हम. ओके, वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू नेहा, वेरी गुड. चलिए अर्चना, वेरी गुड. तो बिल्कुल तैयारी जम के करेंगे, जोश के साथ करेंगे. बाय बाय एवरीवन, बाय बाय.